हेलो गाइस, आई होप आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार प्लीज़ साउंड अगर क्वालिटी का एक बार रिप्लाई दीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आई कैन सी आपके रिप्लाईज आए हैं, थोड़ा शेड्यूल किया था स्ट्रीमिंग, सो आई होप आवाज़ आ रही होगी। एक बार प्लीज़ बताना आवाज़ आ रही है या नहीं। आई होप आवाज़ आ रही होगी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इंडियन टीम गोल नहीं स्कोर कर सकती है, ये तो अब एक आई थिंक आइगर स्टीमक की जो टीम है ये गोल स्कोर नहीं कर सकती। आपके पास कुछ स्टैट्स मैं लेके आया हूँ जो मैंने यस ऑल क्लियर, तो दैट्स फाइन। कुछ स्टैट्स आपको बताता हूँ फ्रस्ट्रेशन निकालने से पहले। इंडिया ने आइगर स्टीमक के अंडर 9 गेम्स खेले हैं और उस 9 गेम में से हम सिर्फ एक वन हमारी एक एक मैच हम जीते हैं सिर्फ, और उसमें से हम 4 ड्रॉ हमने खेले हैं और 4 लॉसेस हमने किए हैं। हम लोगों ने टोटल 10 गोल मारे हैं अंडर आइगर स्टीमक। 10 में से 7 हमने उसमें से सेट पीसेस से मारे हैं, 3 गोल ओपन प्ले से मारे हैं सिर्फ। और आज भी सेट पीस से गोल आया था, लैंड डिंगल का हेडर था। आई थिंक आई विल से अफगानिस्तान वॉज अनलकी टू नॉट गेट दोज 3 पॉइंट्स। मैंने प्रीव्यू में ही बोला था कि अफगानिस्तान ड्रॉ के लिए खेलेगा, उन्होंने ड्रॉ के लिए खेला बिकॉज उनके लिए ड्रॉ ही काफ़ी है इंडिया से आगे रहने के लिए, और वो आगे हैं इंडिया से अभी भी स्टेज में। और या अफगानिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट आज तक अफगानिस्तान इंडिया सिर्फ एक मैच जीता है पूरी हिस्ट्री में, और उसमें से अगर आज अब तक देख लीजिए तो इंडिया अफगानिस्तान 6 विन है हेड टू हेड में, और ये सेकंड ड्रॉ है इंडिया का अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आई थिंक पैथेटिक परफॉर्मेंस। इसमें मैं सबसे पहले तो बात लेके चलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो गोल फ्रॉम ओपन प्ले हितेश बोल रहे हैं, इंडिया ने अब तक ओपन प्ले से सिर्फ मैंने भी आपको बताया कि ओपन प्ले से इंडिया ने सिर्फ 3 गोल मारे हैं बाय द वे। और रही बात आइगर स्टीमक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि ये इंडियन टीम 2019 एशियन कप की इंडियन टीम से बेटर है, वो कह रहे थे कि हम बेटर फुटबॉल खेलते हैं। मुझे तो नहीं लगता हम बेटर फुटबॉल खेलते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आइगर स्टीमक की कोई टैक्टिस है। हमारे पास आखिर में मैच के हमारे पास 4 स्ट्राइकर पिच पे थे। आशिक कुरैन फॉरवर्ड है, लेफ्ट बैक उदांता कुमार फॉरवर्ड है, राइट बैक फारूक चौधरी, सुनील छेत्री, मनवीर सिंह। ये तो अगर कोई मतलब आप कोई और छोटा मोटा कोच होगा उसको पता गोल मारने तो सारे स्ट्राइकर चढ़ा दो गोल दूसरे वाले के डी पे। आई थिंक ये कोई इसे टैक्टिस नहीं बोलते हैं मेरे हिसाब से। जो कह रहे थे मिडफील्ड में गेम खेलते हैं, मिडफील्ड वॉज ना के बराबर मिडफील्ड था पूरे गेम में। प्रणव हल्दार ट्रैफिक डायवर्ट कर रहे थे राइट एंड लेफ्ट, पासिस वो नहीं कर सकते हैं, ये उन सबको पता है कि उनकी एबिलिटी नहीं उनके पास पासिस करने की, तो क्यों नहीं सहेल को उनके जस्ट नेक्स्ट 3 मिडफील्ड फॉर्मेशन में खिलाया। आप 4-2-3-1 जा रहे हो, उसमें से आपका एक मिडफील्डर पास नहीं कर सकता है, एंड सिर्फ ब्रेंडन ही, पूरे जितने आप देखेंगे प्ले सारे प्ले ब्रेंडन से ही हुआ, एंड इवेंचुअली उन्होंने गोल भी खाया और ब्रेंडन की गलती से खाया। वो पास कर रहे थे और पास उन्होंने गलत किया तो उन्होंने अफगानिस्तान ने काउंटर में गोल मारा, पर वो एटलीस्ट वो कोई ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज प्रणॉय नहीं बॉल रिसीव करना चाहते हैं, नहीं बॉल वो किसको देना चाहते हैं, वो सिर्फ ट्रैफिक डायवर्ट कर रहे थे कि राइट दीजिए लेफ्ट दीजिए, एंड वो खुद भी दाएं बाएं भाग रहे थे। उसके अलावा उन्होंने पूरे मैच में कुछ नहीं किया। अगर आपको खिलाना भी था तो आपको साथ में सहेल को एज अ सेकेंडरी जो RCM है उनके जस्ट नेक्स्ट खिलाना था ताकि प्रणय को कुछ ज्यादा नहीं करना, उनको टैकल मारना है, बॉल विन करनी है, सहेल या ब्रेंडन को देना है। बट आई थिंक एक ये है, पहले हाफ की बात करें तो उदांता आशिक दिखे नहीं पूरे मैच में, इंडिया का विंग प्ले था ही नहीं। मंदाराव देसाई को उन्होंने बहुत टारगेट किया, उनको पता है मंदाराव देसाई अटैकिंग लेफ्ट बैक है, सारा अटैक उनका उनके राइट हैंड साइड से आया और वो टैक्टिक बना के आए थे। डिफेंस से बात करें बेके स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, आदिल खान ही इंडिया के लिए सारी क्लियरेंस और मेजोरिटी डिफेंस कर रहे थे अगर मैं अपने जितने नोट्स देखूँ सब कुछ उसके अलावा। तो पहले हाफ में इंडिया ने कुछ खास नहीं किया, कोई मेजर अटैक नहीं आया, कहीं कहीं पे सहेल और उदांता का थोड़ा लिंकअप प्ले अच्छा था। सहेल को भी आई थिंक आइगर स्टीमक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सहेल को किस तरह इस्तेमाल करें, उनको नंबर 10 खिलाएं, नंबर 8 खिलाएं, आई थिंक वो क्लैरिटी सहेल के माइंड में भी नहीं है। उसके अलावा इंडिया ने कोई विड्थ कोई थ्रेट प्रोवाइड नहीं किया राइट लेफ्ट दोनों विंग से, आशिक भी ना के बराबर ही दिखे, सुनील छेत्री गायब थे। फर्स्ट हाफ में इंडिया ने कोई प्रेसिंग नहीं करी, आई थिंक जो प्रेसिंग जो चाहिए होती फ्रंट से छेत्री नहीं कर रहे थे, आशिक नहीं कर रहे थे, दंता नहीं कर रहे थे, उनके डिफेंडर को हमने पूरा चांस दिया बॉल आगे लाने का और उन्हें आसानी से बॉल आगे लेके आए। एंड उसके अलावा आई थिंक कुछ फर्स्ट हाफ से मेरे पे बात करने के लिए कुछ खास है नहीं। सेकंड हाफ में इंडिया ने आते ही जब इंडिया ने गोल खाया 45 मिनट में, और गोल भी कैसे खाया, ब्रेंडन एक रिस्की पास ले रहे थे और उन्होंने काउंटर अटैक में गोल मारा लेफ्ट हैंड साइड से। जो नजारी हैं होलीजर नजारी नहीं, उनके कोई बिछड़े भाई होंगे, नजारी ब्रदर्स दोनों अफगानिस्तान में, उसने क्रॉस डाला है, दूसरे नजारी ब्रदर्स ने फिनिश किया, अच्छा फिनिश था वहां पे 1-0 हुआ। सेकंड हाफ में रिएक्ट करा आइगर स्टीमक ने, पर रिएक्ट कैसे किया, सिर्फ स्ट्राइकर बुला दिए कि जितने फॉरवर्ड प्लेयर उनको भेज दो,
इसका मतलब है कि उदांता को राइट बैक खिलाओ, मंदार को लेफ्ट, आशिक को लेफ्ट बैक खिलाओ एंड फारूक को भी डाल दो, आप लेन को भी डाल दो, आप क्या बोलते हैं मनवीर को भी डाल दो, बलवंत को भी बुला लेते कोलकाता से, आई थिंक उनको भी भेज देते, और क्या पता जेजे को थे इंजर्ड बुला लेते, जेजे को भी भेज देते, जॉबी जस्टिन को भेज देते, तो गुत्ता क्या पता इंडिया शायद गोल मार पाता। मुझे तो नहीं लगता अगर 90 मिनट और खेलते इंडिया ओपन प्ले से गोल मार सकता था। इंडिया ने कुछ चांसेस नहीं बनाए, कुछ चांसेस बनाए थे क्रॉस, एक चांस छेत्री ने मिस किया था आई थिंक 68 मिनट में, दो यार्ड से हेडर मिस किया था ब्रेंडन के कॉर्नर से, उदांता ने एक हेडर उनका सेव किया था आई थिंक, वो भी सारे सेट पीस से थे या क्रॉसेस से थे। तो इंडिया ओपन प्ले से कुछ खास कुछ किया ही नहीं पूरे मैच में, एंड मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया कहां जा रही है। आइगर स्टिमक बात कर रहे हैं 2026 वर्ल्ड कप की, कि हम हमारा टारगेट एशिया कप खेलना है, मुझे लगता नहीं जैसा हम खेल रहे हैं कि एशिया कप खेलेंगे, बस बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों हमसे अच्छा खेल रहे हैं। बात मैंने प्रीव्यू में करी थी कि इंडिया को 4-3-3 फॉर्मेशन खेलनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान वो फॉर्मेशन खेलती है लाइक, बस उनको मैच करना चाहिए, और मैंने प्रीव्यू में ये बात की थी कि अफगानिस्तान को हल्के लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन फैंस की भी गलती है, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अफगानिस्तान ईजी है, ओमान भी ईजी है, बांग्लादेश भी ईजी है, और मैंने जब ड्रॉ आया था तब भी बात बोली थी कि कुछ भी ईजी नहीं है इसमें, अफगानिस्तान की टीम अच्छी टीम है, उन्होंने भले कतार ओमान के यहीं से हारे हैं बट उन्होंने बांग्लादेश को अपने घर पे हराया है, और घर पे मतलब उनका जो होम ग्राउंड है, नॉट घर, होम ग्राउंड है, तो आप देखोगे इतना इजी नहीं पड़ा। इंडिया ने मतलब डोमिनेट ही नहीं किया गेम जिस तरह की उम्मीद सब लोग कर रहे थे। अब बात करते हैं थोड़े आपके लोगों के क्वेश्चंस की, मैंने जो बताया थोड़े उसके आंसर देने की कोशिश करता हूं। टू मैनी चांस मिस, सोनिया समानता, मुझे लगता टू मैनी चांसेस मिस किए हैं सेट पीसेस से, बट ओपन प्ले से हमने खास चांसेस बनाए नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमने ओपन में से खास चांसेस बनाए हैं। प्लीज स्पैम मत करना कोई कोलापुर कुछ को स्कैम कर रहे हैं। ऋषभ भंडारी, उदांता शुड नॉट स्टार्ट अगेंस्ट ओमान, आई थिंक कमेंटेटर थे जो आज के मैच में पुलस्ता धर एंड पदुम रेड्डी, मैंने एक बहुत बात बार बार बोली है कि इंडिया को उदांता कुमन एंड जो आशिक या उदांता कुमन चांगटे का विंग स्विच करना चाहिए, उनको तो इन्वर्टेड विंगर खिलाना चाहिए, आप उनको वो इनसाइड आते हैं उनको ऑप्शन नहीं होता आउटसाइड जाना है, बिकॉज उनका स्ट्रॉन्ग फुट उनका राइट है और उसका लेफ्ट है, आई थिंक दोनों का विंग स्विच करने चाहिए। मैंने पिछले 3 मैचेस से बात कर रहा हूँ बट शायद मेरी आवाज पहुंची नहीं उन तक, क्योंकि आप इन्वर्टेड विंगर खेलते हो तो आप कटिंग करते हो तो आपके स्ट्रॉन्ग फुट पे बॉल होती है आप शूट कर सकते हो, उदांता आशिक शूट नहीं करते हैं तो गोल मारने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनील छेत्री के पास है, वो कैसे होगा मुझे नहीं पता। कि मतलब सुनील छेत्री अब जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, आईएसएल में उन्होंने एक ही गोल मारा है अभी तक, तो क्या वो गोल मार पाएंगे, मतलब जिस तरह की उनकी फॉर्म है मुझे लगता नहीं कि सुनील छेत्री ज्यादा गोल्स अभी तक इस सीजन नहीं मारे हैं और इंडिया के लिए भी रिसेंट टाइम में नहीं मारे हैं। स्टीमक आई थिंक काइंड ऑफ उनकी टैक्टिक्स थोड़ी एक्सपोज हो गई है, टैक्टिक्स के नाम पे उन्होंने एक बात बोली प्री मैच में कि हम मिडफील्ड में फुटबॉल खेलते हैं, पहले इंडिया मिडफील्ड में फुटबॉल नहीं खेलती थी। स्टीमक स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की फुटबॉल कैसी भी हो, आपको एक बता दें कि ड्यूरिंग द एशिया कप रन इंडिया ने बहुत अच्छा फुटबॉल, बहुत गोल्स मारे इंडिया ने, आप देखे थाईलैंड के अगेंस्ट 4 गोल मारे हैं एशिया कप में, बहरीन के अगेंस्ट गोल मारा था, ओमान को ड्रॉ में होल्ड किया, चाइना को ड्रॉ में होल्ड किया, उससे पहले ड्यूरिंग द एशिया कप क्वालिफायर्स म्यांमार को डिफीट किया, लायोस को डिफीट किया, मकाओ को उनके घर पे जाके हराया, तो वो टीम अगर डिफेंड करती थी गोल्स भी मारती थी काउंटर अटैक में। यहाँ इंडिया ना डिफेंड कर पा रहा है ना गोल्स मार पा रहा है, जिस तरह इंडिया का अभी मुझे पता नहीं कि इंडिया ने कितने गोल खाए और स्टैट देखने पड़ेंगे, पर मुझे लगता नहीं इंडिया ने ज्यादा गोल्स मारे हैं, क्या बोलते हैं ज्यादा डिफेंस इंडिया का अच्छा रहा नहीं, इंडिया गोल्स बहुत सारे खाते हैं ये, और देखिए आप 10 में से 7 गोल सेट पीसी से मारे हैं। मे बी क्या एएफ को रिएक्ट करना चाहिए इस ड्रॉ के साथ, एक और मैच है ओमान के अगेंस्ट, अगर ओमान के अगेंस्ट भी रिजल्ट नहीं आता तो इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर से लगभग बाहर हो चुके हैं, वो पिछले मैच के बाद ही हो चुके थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, मैंने वो पहले प्रीव्यू में ही बात की थी, रिएक्शन में ही बोला था कि आप उम्मीदें ज्यादा मत कीजिए या वर्ल्ड कप की आप भूल जाइए, इंडिया साथ इंडिया को एशिया कप पे फोकस करना चाहिए, और मुझे अब थोड़ा एशिया कप का भी डाउट लग रहा है। सौरभ धांडे, जस्ट वन क्वेश्चन, इज देयर एनी होप, जिस तरह की फुटबॉल इंडिया खेल रहा है मुझे लगता नहीं कोई होप है, एशिया कप का कोई चांस नहीं है, कमांडो जैगर सॉरी वर्ल्ड कप का कोई चांस नहीं है, आप भूल जाइए वर्ल्ड कप, हमें भूल जाना चाहिए, अब इंडिया को किसी भी तरह थर्ड पे आना चाहिए अफगानिस्तान से आगे, इसका मतलब अफगानिस्तान को अपने होम पे हराना पड़ेगा, बांग्लादेश को हराना पड़ेगा, ओमान के अगेंस्ट पॉइंट लेने पड़ेंगे, कतार के अगेंस्ट होम पे पॉइंट लेंगे, नेक्स्ट इम्पॉसिबल जॉब, अब जैसे हमारा वर्ल्ड कप का पहले क्वालिफायर था प्रोबेबिलिटी थी, वैसी प्रोबेबिलिटी एशिया कप क्वालिफायर की बन चुकी है इंडिया की, जिस तरह की फुटबॉल हम खेल रहे हैं मुझे लगता नहीं, आई थिंक थोड़े टफ डिसीजन कोच को भी लेने पड़ेंगे एंड थोड़ा कोच को भी किसी को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुझे कोई टैक्टिस नहीं दिखी, आप 4-5 फॉरवर्ड प्लेयर ले आए हो, ये कोई टैक्टिस नहीं, ये तो फीफा में करता था मैं जब बचपन में फीफा खेलता था, तो जो मेरा राइट विंगर होता था मैं उसको राइट बैक बना देता था बिकॉज उसका स्टैमिना बचा होता था और अटैक भी कर सकता है, नया राइट विंगर ले आता था,
तो ये तो फुटबॉल मैनेजर या फीफा की टैक्टिक्स है, मुझे लगता नहीं कि मतलब ये कोचिंग बुक से आप कभी देखोगे, बहुत कम देखने को मिलता है इंटरनेशनल फुटबॉल में कि ऐसे आप करो कि आप अपने लेफ्ट विंगर राइट विंगर को दोनों को लेफ्ट बैक राइट बैक बना दो और फॉरवर्ड्स ले आओ। आपको मिडफील्ड में भी चेंज करना चाहिए था, प्रणय अलदार अगर बॉल्स नहीं खेल पा रहे हैं तो आपको अनिरुद्ध थापा को लेके आना चाहिए था, आपको उनको लेके नहीं आए। आपको गोल मारने का तरीका सिर्फ एंड सिर्फ फॉरवर्ड प्लेयर्स को लाके नहीं होता है, आप मिडफील्ड में टैक्टिकल स्विच, फॉर्मेशन में टैक्टिकल स्विच करके भी गोल मार सकते हो। इंडिया जब भी आप देखो, इंडिया जब भी मैच को चेस कर रही होती है, हम डिफेंडर्स को ले आते हैं, हम डिफेंडर्स को हटा के हम क्या बोलते हैं फॉरवर्ड प्लेयर्स को ले आते हैं। आई थिंक ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह ये चल रहा है मेरे हिसाब से, मतलब इंडिया को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, मुझे ही लगता है कि इनको छोप है। चांस फॉर द थर्ड प्लेसमेंट, राइट, थर्ड प्लेसमेंट का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कोई रोल नहीं होगा, मतलब थर्ड जो प्लेस टीम फिनिश करेगी उसका वर्ल्ड कप क्वालिफायर वो नहीं कर सकती, टॉप टू का ही है। थर्ड प्लेस का एक फायदा ये है, अगर इंडिया टॉप सिक्स थर्ड प्लेस में आती है तो इंडिया एशिया कप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। तो थर्ड प्लेस में आने के लिए अब इंडिया को अफगानिस्तान बांग्लादेश दोनों को हराना है, एंड होप करें कि अफगानिस्तान के रिजल्ट अच्छे ना रहे इसके बाद जैसे उनके पहले रिजल्ट वो ही रहे, क्योंकि अब अफगानिस्तान के टोटल हो चुके हैं 4 पॉइंट, इंडिया के अभी भी हैं, इंडिया के हैं 3 पॉइंट, इंडिया 1 पॉइंट पीछे है। तो एशिया कप कभी भी होप जिंदा है, बट एशिया कप के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसे फुटबॉल खेलेंगे तो आई थिंक एशिया कप नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे लगता नहीं ऐसे फुटबॉल से एशिया कप क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लेइंग 11 शुड बी चेंज इन नेक्स्ट मैच, वी जस्ट कॉल्ड द कतार मैच अ फ्लूक नाउ, आई थिंक सो, मतलब अब जो कतार का मैच था मैं दोबारा अगर देखूं तो वो स्टीफन की बुक से, जैसे हमने चाइना के अगेंस्ट खेला या हमने ओमान के अगेंस्ट, वैसा मैच था वो, हमने डिफेंड 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 किया और हम अच्छा है। जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गोल मारने की, हम स्ट्रगल करते हैं, यही बात गुरप्रीत ने भी बोली है एक इंटरव्यू में स्टार स्पोर्ट्स को कि हम लोग स्विच नहीं कर पाए बांग्लादेश के अगेंस्ट अटैक से डिफेंस से अटैक में। आई थिंक जब आपके ऊपर प्रेशर होता है क्रिएट करने का चांसेस, तो आप नहीं क्रिएट कर पाते, और आपके क्रिएटर्स हैं भी कितने, आपके एक मिडफील्डर आपका प्रणय हल्दार होगा जो पूरे टाइम ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा है, सिर्फ ना वो बॉल रिसीव करना चाहता है, ना वो अच्छी पोजीशन में आना चाह रहा है, ना वो बॉल किसी को देना चाह रहा है, ना वो एक मिडफील्ड में बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप पासिंग फुटबॉल मिडफील्ड से नहीं खेल सकते हो, इसलिए मोस्टली टाइम इंडिया खेल रहे थे। वाई प्रणय हल्दार इज प्लेइंग, ही डज नॉट डिजर्व हिज प्लेस, फ्रेश ट्रैक के बाद बोलते हैं कि प्रणय हल्दार अपनी जगह डिजर्व नहीं करते हैं। आई थिंक ये कोच को डिसाइड करना चाहिए। अनिरुद्ध थापा ने मे भी खराब खेला होगा, बट उनके पास पासिंग स्किल्स है। प्रणय हल्दार जैसे डिफेंसिव मिडफील्डर वाला गेम प्ले दुनिया में शायद आपको खेलता नहीं। आप देखिए, हर किसी को फ्लेक्सिबल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, जो अमरजीत है, जो थापा है, आप उनको खिलाइए। बट मेरे हिसाब से अगर आप प्रणय हल्दार को खिलाना भी था तो आपको उनके राइट हैंड साइड में तीन मिडफील्ड की फॉर्मेशन में सहेल को खिलाना चाहिए था, ताकि प्रणय हल्दार को ज्यादा पासिस ना करना पड़े, और बॉल अगर टैकल वन करते हैं तो सीधे सहेल को या ब्रेंडन को खेले, उनके बस का नहीं था। आप आज देखिए उन्होंने कितने पासिस, अगर मैं भी स्टैट्स निकालने बैठूं कि प्रणय हल्दार की कितनी सक्सेसफुल पासिंग परसेंटेज है, कितने पासिस उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, वो आई थिंक वर्स्ट होगा पिच पे। दूसरी बात रही नंबर ऑफ टचेस की, आप बात करोगे उदांता आशिक के नंबर ऑफ टचेस फर्स्ट हाफ में थे ही नहीं, आप मेजोरिटी फर्स्ट हाफ में टचेज इंडिया में आदिल खान, मंदाराव देसाई एंड ब्रेंडन, आई थिंक उन्होंने मेजोरिटी टचेज दिए हैं इंडिया को मिडफील्ड में। आई थिंक अब आप बात करते हैं, ऋषभ भंडारी कह रहे हैं लेनी डिजर्व करते हैं चांस फॉर इंडिया कॉल अप। आप देखिए लेनी रोड्रिगस की पासिंग परसेंटेज 86% आईएसएल में, इट इज हाईएस्ट अमंग इंडियन प्लेयर्स एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग फॉरनर्स लेनी रोड्रिगस। एंड वो जिस तरह के मिडफील्डर, आपको जिस तरह के स्टाइल आइगर स्टिमक बताते हैं दुनिया को, या वो क्लेम करते हैं कि हम खेलना चाहते हैं पासिंग फुटबॉल, उसके लिए आपको लेनी रोड्रिगस जैसा डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, ना कि प्रणय हल्दार जैसा बुलडोजर टाइप जो ब्रेकर होता है, जो मिडफील्ड ब्रेक करता है, पास मतलब अटैक ब्रेक करता है, वैसा मिडफील्डर नहीं। तो लेनी को नहीं बुलाया, नहीं उनको चांस मिला, नहीं कैंप में बुलाया। There is no mention of third place team directly going to Asia Cup confirmation. Saurav Saini, there is a way to go it. Top 6 Asia Cup, top 6, I think the third place, best place team will go to Asia Cup, by the way. That we have done article in start of this qualifier. You can check that article. FIFA 20 mobile game, old Kolhapur football video. आप बार बार मैं पूछिए, मैंने देख लिया है, वो EA Sports ने अनाउंसमेंट किया था, अब तक आया नहीं है, अब चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं आया है। Why Pranay and Pritham look like so childish on the ball? How long these players playing now? Pritham and Pranay काफी टाइम से इंडियन फुटबॉल में खेल रहे हैं, वो स्टीफन के अंदर भी खेल रहे थे। प्रणय को रेड कार्ड मिला था एशिया कप में, आपको याद होगा लास्ट मैच में, वो कैप्टन बनाया था उन्होंने उस मैच में उनको स्टीफन ने। आई डोंट नो, मतलब अब एक प्लेयर के ऊपर सारा ऐसे भार नहीं निकालना चाहिए। आई थिंक मेजर फॉल्ट, अगेन मैं टैक्टिक्स को दूंगा, जो मैंने ओमान के अगेंस्ट ही बात करी थी कि हम टैक्टिक्स हमारी इतनी अच्छी नहीं है।
टैक्टिक्स का सबसे बड़ा इशू है. Lack of coordination between team, they should play friendly match before main match, says Kekar Sunny, and we don't play friendly matches by the way. Brandon bhi to bar bar dur se kick le raha tha. Dipinder Singh, Brandon dur se kick isliye le raha tha kyunki option nahi tha na bhai. Agar Pranay Haldar jo unke midfield partner hai unke aas paas hi nahi honge to kisko pass karenge. Ashik nahi aa rahe hain ball lene ke liye, Udanta available nahi kara rahe apne aap ko, मंदारा देसाई ऊपर जा रहे हैं, उनके पास मिडफील्ड में हु इज द सेकंड मिडफील्डर टू रिसीव दैट बॉल, सहल ड्रॉप नहीं कर रहे हैं. तो ये लगता है कि इंडियन टीम की जो टैक्टिक्स ये है कि आप फ्रंट में बॉडीज पार्क कर दीजिए उनके डिफेंस में, तीन या चार बंदे, एंड देन होप फॉर द बेस्ट कि कोई लूज बॉल आए आप गोल मार सको या आप सेट पीस से गोल कर सको. आई थिंक यही टैक्टिक्स रही है इंडिया की अभी तक मुझे लगता है. मिसिंग रॉल्विन हियर बैडली कंपेयरिंग अबाउट व्हाट पर्नर डिड, आई थिंक रॉल्विन बॉजेस was doing far better job before. LOL combination ki ISL combination ki wajah se. Stimac doesn't have any idea, he should be sacked. Bhani Bikasa, ye ek bada call hai ki matlab kya aapko kya lagta hai ki Igor Stimac ko sack kar dena chahiye ya wait karna chahiye sare qualifiers khatam hone ka aur India Asia Cup qualify karta hai nahi karta hai us basis pe India ko decide karna chahiye. Agar aapko lagta hai ki Igor Stimac ko sack karna chahiye aap opinion de sakte ho # Stimac out से कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा कुछ ओपिनियन आपकी है. Brandon played well, at least he challenged goalkeeper. सनी कह रहे हैं कि गोलकीपर को चैलेंज, क्योंकि इंडिया शॉट ही नहीं ले रहा था टारगेट पे. मुझे याद है सेकंड हाफ में आते Brandon ने जो गोल खाया इंडिया ने एक लॉन्ग रेंजर शॉट लिया था बिकॉज एटलीस्ट स्टार्टेड ट्राइंग, क्योंकि फॉरवर्ड लाइन में हमने शॉट लिए नहीं. उसका सेकंड हाफ में हेडर हमने दो तीन मारे एंड दैट्स इट. मतलब पूरे मैच में सेट पीसेस और क्रॉसेस से ही हम कुछ कर पा रहे थे भाई. थापा और चांगटे को क्यों क्या खिलाना चाहिए था, आर्टिफिशियल टफ का बड़ा फैक्टर था. अनंत अतुड़ी, मुझे नहीं लगता ये आर्टिफिशियल टफ इतनी बुरी थी जितनी सॉल्ट लेक स्टेडियम की आर्टिफिशियल टफ हुआ करती थी कुछ साल पहले, या जितनी बैंगलोर फुटबॉल स्टेडियम की आर्टिफिशियल टफ होती थी कुछ साल पहले जब बैंगलोर एफ सी वहाँ खेलता है, या जितनी बुरी दुलर स्टेडियम की आर्टिफिशियल टफ है जो गोवा में है जहाँ पे बहुत सारे आई लीग मैचेस हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स हमेशा नेचुरल पिचेस में खेलते आ रहे हैं, हम भी आर्टिफिशियल पिच में खेलते आ रहे हैं. लास्ट सीजन शिलोंग जो आई लीग में आर्टिफिशियल पिच यूज करता है शिलोंग में, तो ऐसे बहुत सारे काफी टीम ISL टीमें आर्टिफिशियल टफ पे ट्रेन करती हैं. तो आई थिंक आर्टिफिशियल पिच का बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आर्टिफिशियल पिच की वजह से हारे हैं, दूसरी टीम भी उसी पिच में खेल रही थी और आपने देखा कुछ ऐसा कुछ हमटी टमटी बाउंस उनको नहीं मिला है इंडियन प्लेयर्स को थ्रू आउट द मैच में. अगर आप बोले कि आर्टिफिशियल पिच की वजह से हुआ है, रोल जरूर प्ले किया होगा आर्टिफिशियल पिच ने, पर ऐसा रोल नहीं प्ले किया कि हम उसकी वजह से हारे होंगे. इससे बेटर तो स्टीफन कॉन्स्टेंट का एरा था, कम से कम वी वर गेटिंग रिजल्ट अक्षय से. अंडर स्टीफन एटलीस्ट वी वर डिफीटिंग सैफ टीम्स वेरी इजिली. आप देख लो कोई भी मैच उठा के सैफ चैंपियनशिप को उठा के देख लो, फ्रेंडली उठा कर इंडिया को आसानी से हरा रहा था, इंडिया म्यांमार को आसानी से हटा रहा था, इंडिया मोकाओ को हराया, इंडिया ने लॉयस को हराया, उनके अंडर इंडिया बाद में रिजल्ट्स लेके आया था, थाईलैंड को एशिया कप में हराया, बहरीन अगेंस्ट नियरली हम अच्छा अच्छा करते रह गए थे. तो अभी पर स्टाइल चाहिए, पासिंग फुटबॉल चाहिए क्या? मैं एक आर्टिकल शायद आपके पास आने वाला है कि इंडियन टीम की पासिंग फुटबॉल देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों ISL में इजी है पासिंग फुटबॉल खेलना ISL क्लब्स के लिए, इंडियन टीम के लिए क्यों मुश्किल है, एक डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसके लिए आपके पास लेके आएंगे, उसका उस बारे में तब बात करेंगे. आई थिंक Stimac इज टेकिंग लेफ्ट बैक एंड राइट बैक वेरी राइटली. आप देखोगे मॉडर्न एरा में चाहे जो भी बड़ी टीमें इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में हैं, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, जब उनका अच्छा एरा था, डैनी एल्वेस, राइट बैक लेफ्ट बैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अटैकिंग प्ले में भी और आपके डिफेंसिव ट्रांजिशन पीरियड में भी. आप इतना लाइटली उन्हें ले लोगे कि तो आप देखो मंदारा जैसे एक अटैकिंग लेफ्ट बैक है, उनको कितना टारगेट किया अफगानिस्तान ने और वहीं से गोल आया अल्टीमेटली उससे. राहुल तिवारी, ऑप्टिमिज्म की बात बाप है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेलब्रेड एंड Stimac सेड फ्रेश टेक, व्हाई जेरी नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम ओडिशा FC. जेरी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ISL, कैंप में नहीं बुलाया तो मे बी उनको चांस नहीं था देखने के लिए, फ्रेंडली मैचेस नहीं थे, मे बी नो अब मार्च वाले मैच से पहले उनको बुलाएंगे, वहां पे एक फ्रेंडली इंडिया खेलने वाला है जो सुनने में आया है. मोहम्मद जसेल से काम डाउन, मे बी आई शुड काम डाउन, बट यार इतना प्यार करते हैं अपनी टीम से, ऐसे मतलब कैसे बताऊं, मतलब एशिया कप भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग तो जितनी मेहनत हम इंडियन फुटबॉल ने इतने सालों में करी है वो सब खराब हो जाएगी. इंडिया शुड बी प्लेइंग 2023 एशिया कप एट एनी कॉस्ट, हमें वो एशिया कप खेलना ही है तभी इंडियन फुटबॉल आगे जो बढ़ रहा है बढ़ेगा. अगर हम एशिया कप क्वालिफाई नहीं करते हैं आप इंडियन टीम के मैचेस नहीं होंगे ज़्यादा, आपको बता दूं आप क्वालिफायर्स में रहोगे आपको ऑफिशियल मैचेस खेलने को मिलेगा कि फीफा रैंकिंग मेंटेन रहेगी. अगर आप ऑफिशियल क्वालिफायर से बाहर हो जाते हो, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में नहीं जाते हो तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी आपके लिए.
इंडिया अजय कह रहे हैं भाई इंडिया डू नॉट स्कोर गोल, मैंने आपको स्टैट बताया इंडिया ने अभी तक सिर्फ 10 गोल मारे हैं 9 गेम्स में इगोर स्टिमाक के अंडर, 10 में से 7 तो सिर्फ सेट पीसेस से मारे हैं हम लोगों ने, तो आप देख सकते हो कि क्या है। वी नीड टू मेक बिबियानो लाइक फ्लेक्स फेंचेस हु कंट्रोल फ्रॉम अंडर 17। जतिन राणा एक ये भी कॉल है, अफगानिस्तान का जो कोच है वो अफगानी है, उनकी उम्र सिर्फ 29 साल है, वो सुनील छेत्री से भी छोटे हैं, तो क्या हम यंग इंडियन कोचेस को नहीं मौका दे सकते हैं? आप फॉरेनर्स तो हमेशा हम ट्राई करते आ रहे हैं, क्या बिबियानो फर्नांडिस को आप सीनियर टीम में मौका दे सकते हो? जिस तरह की फुटबॉल बिबियानो फर्नांडिस की टीम खेलती है क्या वो इंडियन फुटबॉल को हेल्प कर सकता है? मतलब आई डोंट नो, ये आंसर्स एएफएफ को लेना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन उनका है, कोच को सैक करना ना करना आई थिंक वो भी डिसीजन उनका है, रिस्क उनका, उनको जवाब देना है दुनिया को, तो नहीं करेंगे तब भी उनको जवाब देना है, करेंगे तब भी उनको जवाब देना है, बट वेट ना करिए कि हम एशिया कप से बाहर हो जाए। अगर आपको लगता है कि इस टीम में जिस तरह की टीम इगोर स्टिमाक बना रहे हैं वो एशिया कप नहीं क्वालिफाई कर रही है, तो आई थिंक इंडिया शुड टेक द डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। इगोर स्टिमाक बार बार बोल रहे हैं 2026 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 वर्ल्ड कप की टीम प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम 2023 एशिया कप से बाहर हो जाएं। वर्ल्ड कप दूर की बात है, हमें एशिया कप को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। म्यांमार सैक देयर कोच बिकॉज लूजिंग 3 मैचेस इन फर्स्ट 3 मैचेस ऑफ क्वालिफायर्स एंड अपॉइंट न्यू कोच। फर्स्ट मैच दे बीट नेपाल 3-0 एंड टुडे तजाकिस्तान 4-3 2 out of 2 विन से सचिन। तो कई बार कोच सैक करना भी एक आपको मोटिव प्लेयर्स को फ्रेश मोटिवेशन भी देता है। तो बाइचिंग भूटिया भी सही है, बाइचिंग भूटिया का लाइसेंस नहीं है, वो कोच नहीं है तो उनको तो नहीं बना सकते, एटलीस्ट जिनके लाइसेंस है उनको कोच बनाना पड़ेगा। वी शुड गेट समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग इंडियन प्लेयर्स, किसी ने बोला बहुत तेजी से निकल गया, तो वो भी ट्राई सोचा गया था, अल्बर्ट रोका उसमें थे। रक्षित कहता है सुनील ने ओवर डिपेंडेंट है, बहुत तेजी से चैट जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओवर सुनील को निकाल के आपको नया प्लेयर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसे रक्षित शर्मा बात बोल रहे हैं कि सुनील की जगह किसी और को निकाल खिलाना चाहिए। आप देखोगे इन क्वालिफायर्स में इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस आई कतार के अगेंस्ट, और उसमें सुनील छेत्री नहीं खेल रहे, तो उनका पॉइंट है, बट क्या इतना रिस्क आप लोगों के अपने सबसे मेन प्लेयर को आप ड्रॉप कर दोगे, वो एक है। सिमक को निकालो से अजय, विनर कौन है से मधु, विनर नहीं है, मैच 1-1 ड्रा हुआ, अफगानिस्तान 1 इंडिया 1। इंडियन प्लेयर्स नीड क्विक पास, दे ऑलवेज ट्राई टू सी फॉर 2-3 सेकेंड, बट इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दिस अरीना ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। इंडियन प्लेयर्स नहीं पासिंग फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं, आई एग्री टू यहाँ पे जो बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि मिडफील्ड आपका खत्म हो गया है, मिडफील्ड है ही नहीं आपका, तो कैसे आप पासिंग फुटबॉल खेल पाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज शिवराज, शिवराज यू जस्ट आस्क मी क्वेश्चन इन इंग्लिश, आई विल क्लास ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग प्लेसेस, दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी। सो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, इंग्लिश शुड लुक टू अटैक एंड डिफेंड इन ब्लॉक, लैंड डूंगल लुक प्रॉमिसिंग आकाश वर्स, वेल लैंड डूंगल केम ही ट्राई टू डू सम स्टफ, आई थिंक इट्स नॉट दैट ही इज इनफॉर्म फ्रॉम आई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ही इज कमिंग फ्रॉम एफसी गोवा सेटअप, दे हैव वेरी एनर्जेटिक सेटअप एंड he tried to go inside and out, he also went inside the box to take shots and that's the way when you need goal you need to try something crazy and finally Brendan got that corner and he good corner to for Len to score and he's one of the smallest men height wise in the Indian team and he scored the goal. Sunil should play more as a striker rather than feeding to others from upcoming matches. Sachin Patil, agar aapne match ka preview dekha ho jo maine kiya tha, मैंने उस पर बोला था कि सुनील को ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उनको आगे ही रहना चाहिए एंड आगे रह के ही उनको बॉल होल्ड करके डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। जो ये बार बार सुनील छेत्री मिडफील्ड में ड्रॉप हो रहे हैं उससे इंडिया को उनके सेंटर बैक को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है अपने अपने डिफेंस को रीसेट करने का, अपने डिफेंस को मैनेज करने का। अगर आपके साथ एक स्ट्राइकर हमेशा रहेगा तो आप हमेशा उसको उसके बारे में सोचोगे ना कि अगल बगल चीज़ें देखोगे। तो इंडिया गलती कर रहा है टेक्टिकली, मैंने पॉइंट आउट भी किया था अपने प्रीव्यू में, बट दैट्स डिफरेंट। बुरा स्थापा को नहीं खिलाना की वजह से हारा से सुशील काइंड ऑफ, क्योंकि प्रणय ज़्यादा पासिस नहीं कर पाया जितने पासिस उन्हें करने चाहिए थे मिडफील्ड में। इफ इंडिया इज कीप प्लेइंग बैड फुटबॉल भाई हु विल वॉच फुटबॉल, अंडर 17 अंडर 19 इज बेटर। अंडर 19 के भी बहुत बुरे रिजल्ट रहे हैं अभी AFC अंडर 19 चैंपियनशिप क्वालिफायर्स में, वहाँ भी हम अफगानिस्तान से हारे हैं, तो वो टीम भी नहीं। अंडर 16 आप कह सकते हो अच्छा खेल रही है। सुनील बिकेम लाइक का प्रेजेंट रोनी, क्या से क्या हो गया से अक्षय बैंकर, आई थिंक
35 उनकी एज है, तो आप उनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हमेशा वो एक 16-17 साल की बच्चे की तरह खेले। आपको भी उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि कैसे उन बाकी प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें, वो उनको एक टीम मैनेजमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। स्टीमक को सैक होने के कितने चांसेस हैं एशिया कप क्वालिफाई ना कर सके? आई थिंक अगर एशिया कप क्वालिफाई नहीं कर सकते तो स्टीमक शुड गो बिकॉज दैट शुड बी द मिनिमम इंडियन फुटबॉल टीम डूइंग एट दिस टाइम, क्वालिफाइंग टू एशिया कप एटलीस्ट एंड डायरेक्टली। आई थिंक इंडिया शुड बी डूइंग गुड इनफ टू बी थर्ड इन दिस ग्रुप। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिनके अगेंस्ट हम 8 साल से सैफ चैंपियनशिप में खेलते आ रहे हैं, उन्हें हराते आ रहे हैं एंड उनसे हारे नहीं है रिसेंट टाइम में। अफगानिस्तान सिर्फ एक मैच हारे हैं 2015 में, आई थिंक अगर मुझे याद आ रहा है ढंग से, 2014 में आई थिंक हारे थे अफगानिस्तान से। तो उनको नहीं हरा के हम अगर थर्ड फिनिश नहीं कर सकते हैं तो शेम होगी इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड उस टाइम पे अगर स्टीमक को भी जाना चाहिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते आ रहे हैं बट अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करते तो उनको रहने का कोई हक नहीं है। सैल वॉज डिसअपॉइंटिंग, ही वॉज नॉट गेटिंग द बॉल बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नॉट डेयर, इतना डेयरिंग भी नहीं, मतलब ही वॉज नॉट शोइंग करेज इनफ टू आस्क फॉर द बॉल, मतलब ही शुड ड्रॉप डाउन इन मिडफील्ड इफ बॉल इज नॉट कमिंग टू हिम एंड दैट वॉज द इशू। ब्रैंडन वॉज नॉट गेटिंग अ सेकेंड पार्टनर टू एक्सचेंज पासिस विद and when Brandon push ahead that time India played their best football, then Brandon Sahel had 1 and 2 or Brandon Sunil played 1 and 2 and that's how you play quick transition football, but aapke midfield mein agar passing ke options hi nahi honge to aap khelogo kaise wo quick football। to Sahel ko bhi courage dikhana chahiye tha but unhone courage nahi dikhaya jaisa unko dikhana chahiye tha। Afghanistan ke players Europe mein khelte hain kya? वासव नयान, यस वो लोअर डिवीजन यूरोपियन फुटबॉल खेलते हैं। रीजन बिहाइंड कि मोस्ट ऑफ दिस अफगानिस्ट प्लेयर आर बॉर्न इन यूरोप, अपने जो उनके बाहर सेटल हुए हैं अफगानी या वॉर के वजह से वो वहाँ पैदा हुए हैं, बचपन से वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं ऑफकोर्स, बट ये अफगानिस्तान आज से बाहर के प्लेयर्स नहीं खिला रहे हैं, वो 2011 से बाहर के प्लेयर खिला रहे हैं। इंडिया 2011 से उन्हें हराता आ रहा है, तो आज तो हम उनको हराना चाहिए था एट एनी कॉस्ट। द काइंड ऑफ फुटबॉल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन इंडिया, इंडिया इज फार बेटर टीम व्हाट वाज इन 2014, तो आज नहीं हरा पाएंगे तो कभी नहीं हरा पाएंगे। हु वॉज ट्रैकिंग अफगानिस्तान गोल स्कोरर, वेयर वॉज पुरनय? पुरनय का आई डोंट, मैं मैच देखते मुझे लग रहा था कि वो ट्रैफिक पुलिस की तरह सिर्फ ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे, राइट लेफ्ट दैट्स इट, कि आप वहाँ बॉल दीजिए वहाँ बॉल दीजिए, मुझे मत दीजिए बाकी सबको बॉल दीजिए। अंडर 16 टीम इज ऑन अ कैंप नाउ, यस दे आर इन अ कैंप, मैं दिलाऊंगा ही नहीं, सैरेटन फर्नांडिस को खेलना चाहिए, सैरेटन फर्नांडिस को भी मौका नहीं दिया, आप राइट बैक स्ट्रगल कर रहे हैं आज, प्रीतम को भी ट्राई किया उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। आइगर स्टीमक ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट बैक लेफ्ट बैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन मॉडर्न फुटबॉल विच इंडियन टीम इज स्ट्रगलिंग विद बोथ द पोजीशन। एनी बेटर टैक्टिक्स कुड बी मेड बाय स्टीमक टू विन टुडे? आई थिंक सिंपल टैक्टिक्स स्विच विच ही कुड डन विद द सेम प्लेइंग 11 इज टू ब्रिंग सहेल इन अ नंबर 8 रोल अलॉन्ग साइड पर्नोय ब्रेंडन, प्ले 4-3-3 फॉर्मेशन। इफ यू सी माई प्रीव्यू, आप अगर वीडियो के बाद प्रीव्यू देखना जाके, प्रीव्यू मैंने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया को 4-3-3 फॉर्मेशन खेलना चाहिए एंड मैंने लगभग सेम प्लेइंग 11 खिलाया था। ओनली चेंज विच हैपन इज अ राहुल बैक एज अ सेंटर बैक एंड प्रीतम आए हैं राइट बैक एंड प्रणॉय खेले हैं थापा की जगह, बाकी पूरी प्लेयर सारे सेम थे बट मैंने 4-3-3 खिलाया, उन्होंने 4-2-3-1 के साथ गए एंड वो थोड़ा हैवी पड़ गया। इंडिया 15 पॉइंट पे थर्ड राउंड में जा सकता है बट 15 पॉइंट के लिए आपको देखिए इंडिया के अभी हो रहे हैं 3 पॉइंट, तो अगर आप ओमान को हराते हो तो होते हैं 6, आप हराते हो कतार को तो होते हैं 9 एंड देन अफगानिस्तान को हराते हो तो 12 एंड आप हराते हो बांग्लादेश को तो होते हैं 15 पॉइंट पे थर्ड राउंड। आई डोंट थिंक इंडिया जा पाएगा बिकॉज ओमान के ऑलरेडी, अगर मैं अभी देखूं क्या उनकी स्टैंडिंग चल रही है, अभी आप देखिए कतार 2-0 जीत रहा है इस टाइम पे बांग्लादेश से अपने होम पे, तो ओमान 2-0 जीत रहा है बांग्लादेश से अपने होम पे, तो अभी ओमान के आई थिंक 12 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे, हाँ इस मैच के उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप कह रहे हो कि आप उम्मीद कर रहे हो कि ओमान बचे हुए मैचेस में से एक ही मैच जीते और इंडिया अपने सारे मैच जीते कतार के बराबर है, ओमान को रहा तो 15 पॉइंट, आई थिंक ना के बराबर है 15 पॉइंट इंडिया के लिए, बहुत मुश्किल। आप कतार को तो नहीं हरा पाओगे, ओमान को भी अपने घर में हराना बहुत मुश्किल। आप देखिए अभी मैच चल ही रहा है एंड वो 2-0 जीत रहे हैं, 78 मिनट हो गए हैं एंड गोल मारने वाले हैं अल हबीबी एंड अल कादी ने गोल मारा है उनकी तरफ से एंड ये सेम बांग्लादेश टीम है जिनके अगेंस्ट इंडिया गोल ही नहीं मार पाई, तो कैसे हो पाएगा पता नहीं। जॉबी जस्टिन को बुलाते हैं पर टीम में नहीं रखते हैं। व्हाट शुड इंडिया डू टू स्कोर गोल्स? आई थिंक इंडिया नीड टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल दे वांट टू प्ले। आप इतने सारे फॉरवर्ड लेके नहीं खेल सकते हो,
पहली चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है कि आप जो ये ट्रेडिशनल विंगर्स होते हैं, राइट फुटेड उदांता ऑन राइट, लेफ्ट फुटेड आशिक ऑन लेफ्ट, इसका जमाना जा चुका है। आजकल लोग इनसाइड फॉरवर्ड्स खेलते हैं पूरी दुनिया में, सारी टीमें, तो आपको उदांता को लेफ्ट पे डालना चाहिए, चांगटे आशिक को राइट पे डालना चाहिए, एंड आस्क देम टू कट इनसाइड एंड टेक शॉट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग फुट। जब वो कट इनसाइड होंगे तो राइट बैक एंड लेफ्ट बैक के लिए भी स्पेस खाली पड़ती है, खाली बन जाती है, तो वो ओवरलैपिंग रन मार सकते हैं, तो आप थोड़ी डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल सकते हो। ये आजकल मॉडर्न फुटबॉल का बेसिक फंडा है जो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है अपनाने के लिए काफी टाइम से। परनो इज अ गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल इन एटीके अलोंग मैककफ। आपको मे बी एटीके में परनो पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जितना इंडियन टीम के लिए है, पर परनो आज पासिस, मतलब वो दूर दूर तक कह रहे थे कि मुझे पास मत दीजिए, मुझे ये चीज बुरा लगा। सो 3-0 हो गए, कह रहे हैं 3-0 बांग्लादेश, तो 9 पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कन्हैया लाल सोनी, 9 पॉइंट्स कह रहे हैं, या बांग्लादेश 3-0 से हार रही है अभी, या थर्ड गोल हो गया है। एंड अरशद मानदार एंड मोजन अल हवाई अल कादी अल हवाई ने 3 गोल मार दिया है, तो अरे 9 पॉइंट्स तो उनके इस मैच से पहले है, इस मैच के बाद उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, नहीं ठीक है सॉरी मेरी गलती है, उनके टोटल 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 3 विक्ट्री होगा इस मैच को इंक्लूडिंग, और एक लॉस है, उससे उनके हो गए 9 पॉइंट्स। तो मतलब अभी ओमान को खेलना है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ओमान को खेलना है बांग्लादेश अवे, ओमान को खेलना है अब इंडिया के होम पे, तो वो हुए उनके बचे हुए 3 मैचेस, आपको टोटल इसमें खेलने हैं 8 मैचेस, एंड शायद उन्होंने कतार को अपने घर पे होस्ट करना है ओमान ने, या कतार के अगेंस्ट का मैच है, तो मान के चलिए कतार के अगेंस्ट हार जाते हैं तो बांग्लादेश अफगानिस्तान से फेवर चाहिए होगा और इंडिया को ओमान को हराना पड़ेगा। अभी हम इस बारे में बात तो कर रहे हैं बट अगले मैच के बाद शायद इस बारे में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ओमान को ओमान के घर पे हराना इंडिया के लिए आसान नहीं रहेगा। ओमान एक अच्छी टीम है, इंडिया ने जो गुवाहाटी में किया वहां पे इंडिया में बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो हमने वेस्ट करी, वहां पे भी हमने टेक्टिकल एरर की वजह से हमने वो बेसिकली सिचुएशन हमने वहां खराब की थी। आई थिंक इंडिया जो मेजॉरिटी ग्रुप में स्ट्रगल कर रहा है वो प्लेयर्स की वजह से नहीं, वो हमारी जो कोचिंग टीम है उसकी टैक्टिक्स और सिलेक्शन की वजह से कर रहा है। वेट फॉर जिंगन, ही विल बी ओके, और जिंगन तो यार सीजन के एंड में आएंगे तब तक क्वालिफायर्स खत्म हो जाएंगे। वेयर देयर इज नॉट एनी डिसेंट सीएमएफ इन इंडियन टीम, से प्रसिद्ध गुज्जर, ऐसा नहीं है, लेनी रोड्रिगस एक अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। विंगर एरल क्रॉसेस क्यों डाल रहे हैं जबकि सुनील की हाइट छोटी है, अफगानिस्तान इंडियन डिफेंस के ऊपर के बॉल खिला रहा था, अपने विंगर्स फास्ट है, दैट्स अ इशू राइट, वो ऊपर के क्रॉसेस इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज अपने स्ट्रॉन्ग फुट से खेल रहे हैं मेजॉरिटी टाइम, आउटसाइड फुट से क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेन रीजन वो भी है। विनीत को क्यों नहीं खिलाया, आई डोंट नो, थापा को क्यों नहीं खिलाया, दैट्स वन अदर रीजन। क्या मनवीर सिंह डिजर्व करते थे स्टार्ट करना छेत्री के ऊपर, या क्या फारूक चौधरी डिजर्व स्टार्ट करते थे करंट फॉर्म में, कुछ क्वेश्चंस हैं, पर आई थिंक सेम सिलेक्शन में भी अगर सहल को नंबर 8 खिलाते तो थोड़ी हेल्प मिल सकती थी उनको। 3-1 हो गया है, इंटरटेनमेंट नॉलेज कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने गोल मार दिया है, यस बांग्लादेश ने गोल मारा है अभी भी 3-1 81 मिनट में। इफ बांग्लादेश कैन होल्ड ओमान टू एंड ड्रॉ दैट दे आर डूइंग फेवर टू नॉट जस्ट टू इंडिया टू अफगानिस्तान ऑल्सो एंड टू देमसेल्फ ऑल्सो बाय द वे। सो माइकल सुसिराज को स्क्वाड में भी नहीं रखा है, वो अच्छी फॉर्म में है आईएसएल में, लेफ्ट विंग बैक खेल रहे हैं भले ही, बट आप भी तो आशिक मंदार को लेफ्ट बैक में खिला रहे, तो माइकल सुसिराज क्यों नहीं। सर्जियो लिबेरा इज अ गुड कोच, एग्रीड, कैन यू बी द नेक्स्ट, आई एम नॉट अ कोच, आई एम जस्ट लाइक स्मॉल पर्सन हु वॉच फुटबॉल एंड एनालाइज स्टफ, दैट्स इट। कमेंटेटर शुड से द ट्रुथ, दैट्स ऑल्सो हार्श, वो भी बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, तो हकीकत यह है कि हमने अगर बेकार खेला है तो उन्हें बोलना चाहिए बेकार खेला, सामने वाली टीम अगर अच्छा खेली तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, कई बार वो क्रेडिट नहीं देते हैं, बट ठीक है, वो इंडिया के चैनल की कमेंट्री कर रहे हैं तो उनको इंडिया के फेवर में करनी पड़ती कई बार। भाई आपने LMF से ज़्यादा सपोर्ट क्यों नहीं आती, यार रीज़न ये है कि आशिक को लेफ्ट मिडफील्ड में खिलाते हैं तो वो एक सेकेंडरी स्ट्राइकर है तो वो सेंटर की तरफ जाते हैं, आज भी आशिक उदांता फर्स्ट हाफ में तो वो बिल्कुल ना के बराबर ही मैच में नहीं दिखी, मुझे पूछना पड़ा 2-3 बार, कोई साथ में मैच देख रहा था, आशिक ने कितने टचेस किए हैं बॉल में, अगर आप मैच के नंबर्स में एनालाइज करूंगा मुझे लगता है ना आशिक ने फर्स्ट हाफ में 4 या 5 टचेस भी लिए हैं। प्रवीर दास राइट बैक में ऑप्शन हो सकते थे, उनको नहीं लिया। वेयर शुड बी इंडिया एट द एंड ऑफ द ग्रुप टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप, इंडिया शुड बी एट थर्ड, मतलब मिनिमम, मतलब सेकंड होना बहुत मुश्किल है, थर्ड तो इंडिया को होना चाहिए, थर्ड होने के लिए आपको अफगानिस्तान बांग्लादेश दोनों को हराना पड़ेगा, अफगानिस्तान एट देयर होम, बांग्लादेश एट अवर होम एट एनी कॉस्ट, इफ यू डू दैट दैट मींस वी विल हैव 9 पॉइंट्स एंड देन वी कैन क्वालिफाई फॉर एशिया कप एटलीस्ट।
India scored only 3 goals, all 3 from set pieces, assisted by Brendan. Another truth by Mr. HB. That's why I'm saying, Igor, ये जो गोल में बता रहा था, 10 गोल मारे हैं, 10 में से तो 7 फ्रेंडलीज में मारे हैं और 3 क्वालिफायर्स मारे हैं, तीनों सेट पीस में मारे हैं. इंडिया ओपन प्ले से गोल कर ही नहीं पा रहा है. Mr. HB, I got your comment. Who was the best player today for India? I think Brendan was the best player alongside Adil maybe, because Adil ने बहुत सारे defensive clearance किए इंडिया के लिए. मेरे हिसाब से दोनों best player थे. Not possible, one loss and there will be draw India. What can Vinith do for India? I think Vinith थोड़े अलग टाइप के डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, उनकी हाइट भी है तो उनको खिला सकते थे, बट वो खिलाना नहीं चाहते हैं. चांगटे को खिलाना चाहिए था मे बी इन प्लेस ऑफ आशिक, क्योंकि प्लेयर चांगटे, बिकॉज चांगटे एटलीस्ट विंग पे स्ट्रेच करके तो रखते हैं उनको. इसलिए इंडिया शुड प्ले. ओके, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ कमेंट रोक के पढ़ने की. वट कैन प्रतीक लेना था सीवी पे, प्रतीक चौधरी कैन बी ऑप्शन पर नहीं लिया गया. चांगटे को खिलाना चाहिए था, बोला मैंने इस बारे में. इसलिए इंडिया शुड प्ले मोर फ्रेंडलीज टू डू एक्सपेरिमेंट फॉर एंड चेक विद प्लेयर. अभिनव कहते हैं फ्रेंडलीज दुनिया इसीलिए खेलती है टू एक्सपेरिमेंट, इंडिया खेलता ही नहीं, आई डोंट नो किस लिए. इज जेजे द आंसर फॉर आवर गोल स्कोरिंग इशू? तेजस सेज आई थिंक जेजे इज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंडियन टीम करंट प्लेयर में छेत्री के बाद, एंड वो नहीं होते हैं तो इंडिया होल्ड अप प्ले भी ज्यादा नहीं कर पाता है. जेजे हैज द एबिलिटी टू स्कोर एंड स्कोर, उनका पेस नहीं है बट होल्ड कर सकते हैं एंड फिनिश कर सकते हैं. उनको मिस तो कर रहे हैं, अब वो कितनी जल्दी आईएसएल में, दिसंबर में बात चली थी वापस आ पाएंगे, देखते हैं कब वो अपनी रिकवरी फाइनली कंप्लीट करते हैं. शंभाई हॉके का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, किसी ने पूछा सिद्धार्थ भाई, जितना होना चाहिए था. एक टाइम पे पुणे एफसी के लिए ही होता, आई थिंक ही स्कोर्ड हैट्रिक इन आईएसएल आल्सो एंड स्कोर हैट्रिक इन आई लीग आल्सो, इफ आई एम करेक्ट, इफ आई मेमोरी सर्व वेल. उन्होंने एफसी गोवा के लिए हैट्रिक मारी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद है तो बताना, बट मुझे याद है उन्होंने पुणे, ही इंडियन प्लेयर टू स्कोर हैट्रिक और पुणे एफसी. उसके बाद से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है सोम्बा हॉकी का इतना जितना होना चाहिए. बेंगलुरु एफसी में गए उतने चांसेस उनको मिले नहीं, तो आई थिंक उन्होंने 2 हैट्रिक मारी है आई थिंक आईएसएल में भी आई लीग में भी. आप लोग एक बार कंफर्म करना, मुझे बताना कि उसने दोनों जगह हैट्रिक मारी कि नहीं मारी है. प्लीज ब्रिंग स्पेनिश कोच, अभी तक तो सब लोग इगोर स्टिमाक की बात करें, तब स्पेनिश कोच को भी ला के देख लेंगे क्या होगा. विद छेत्री वी कैन नॉट विन, छेत्री प्लेस अदर प्लेयर्स only search for him instead of trying themselves, that's also point. वो छेत्री के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं. Who is the playmaker for India? I think Brendan was the best playmaker for India in throughout this match and throughout this qualifiers. Bahrain Iraq beat Iran. क्या स्टीमक को एक बुरा टैक्टिशियन है या टीम वीक है? I think टीम तो सेम ही है, जो लगभग लगभग जो स्टीफन के अंडर थी, जबकि आपके बेटर प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं जिनकी लोग फैंस डिमांड कर रहे थे, लाइक ब्रैंडन, लाइक आदिल, लाइक इसके अलावा आप देखिए जिनकी बात कर रहे थे सहल, जिन प्लेयर्स की लोग डिमांड कर रहे थे वो प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया है. मंदारो देसाई, टीम वीक तो नहीं, टीम स्ट्रांग है, तो उसका एक ही बात पता चलता है, नॉट आइगर स्टीमक टेक्टिकली वीक है, क्योंकि जो क्रोएशियन फैंस हैं उन्होंने भी यही फीडबैक दी थी कि टैक्टिक्स वाइज वो बहुत ज़्यादा वीक थे. उन्होंने लुका मॉड्रिच को विंग एज अ विंगर खिलाया था बहुत मैचेस में, और इस चक्कर से वो भी एक रीज़न था उनके सैक होने के पीछे, जब वो उससे सैक हुए थे क्रोएशिया से. आवर प्लेयर्स लुक लाइक स्टोन, आवर प्लेयर स्टोन ऑफ द बॉल, नो मूवमेंट एट ऑल, सेज थैंगबाई बी थैंडल. प्रणॉय कोई मूवमेंट नहीं, सहल कोई मूवमेंट नहीं, दोनों विंगर कोई मूवमेंट नहीं. इंडिया शुड प्ले 4-4-2 लाइक एथलेटिको मैड्रिड, देन अगर 4-4-2 खेलना था तो हमने स्टीफन को क्यों हटाया, उनको रखना चाहिए था, वो 4-4-2 खेल रहे थे. व्हाट अबाउट रॉबिन सिंह? रॉबिन सिंह आई थिंक जिस तरह के वो फॉरवर्ड हैं, मैं तो उनको टीम में रखूंगा, बिकॉज एक डिफरेंट फॉरवर्ड है वो. ही इज अ डिफरेंट टू सुनील छेत्री, ही इज डिफरेंट टू मनवीर सिंह, ही इज डिफरेंट टू फारूक चौधरी, ही इज डिफरेंट टू से लैन डुंगल. आप उनको एज अ ऑप्शन तो स्क्वाड में रख सकते हैं, पर नहीं रखा है वो अलग बात है. ऐसे अवे मैचेस में बहुत हेल्प कर सकते हैं रॉबिन सिंह टीम को. जे जन छेत्री फेबुलस केमिस्ट्री फॉर इंडियन टीम, वी नीड गोल स्कोरर, यस. अमरजीत कुड हैव बीन मिसिंग पजल, बट अभी इंजर्ड है तो हम उनके बात थोड़ा नहीं कर सकते हैं जो इंजर्ड नहीं है. हर्ष जैन, वट डू यू थिंक इंडियाज बेस्ट स्ट्राइकर? इंडिया नीड टू डेवलप हिज अटैक. इंडिया का बेस्ट स्ट्राइकर आई थिंक अभी आपके उसमें मेरे हिसाब से मनवीर सिंह है. ओवरऑल प्ले के हिसाब से आप देखोगे जिस तरह खेलते हैं, गोल स्कोरिंग के हिसाब से छेत्री अभी भी बेस्ट स्ट्राइकर है इंडिया के. फारूक चौधरी अच्छा कर रहे हैं, बट जब तक रेगुलर गोल्स नहीं मारेंगे इंडिया के लिए तब बोल नहीं सकते वो इंडिया के बेस्ट स्ट्राइकर है. चौधरी शुड स्टार्ट सेज फारूक चौधरी, फारूक चौधरी शुड स्टार्ट से APN. वाई इंडिया नॉट अरेंजिंग इंटरनेशनल फ्रेंडली और टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ द फाइनेंस? आई थिंक देयर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज देर इज नॉट मच टाइम बिटवीन, गैप बिटवीन लीग एंड अवर फुटबॉल. ट्रैवलिंग बहुत होती है एशिया में, तो अभी 2 मैचेस तो फ्रेंडलीज नहीं खेल सकते थे. अब इसका इंडिया का ओमान के मैच तो फ्रेंडली कब खेलते?
इस मैच से पहले आपने सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन किया है, वो भी एक फैक्टर है, तो फ्रेंडली खेलने का यहाँ पे चांसेस है। पिछले मैच में फ्रेंडली नहीं खेला तो वो सरप्राइजिंग था, जो बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था कोलकाता में, उससे पहले इंडिया को फ्रेंडली खेलना चाहिए था। जब नॉर्थ ईस्ट से मैच खेला वहां पे एक इंटरनेशनल फ्रेंडली होना चाहिए था। एक सेकेंड दीजिए जरा, मैं इंडिया क्या कभी इंडिया में फुटबॉल ग्रो करेगी यार, जिस तरह की फुटबॉल हमारी आईएसएल लीग में चल रही है, सब कुछ हो रहा है, फुटबॉल तो ग्रो करेगा, किस स्पीड से ग्रो करेगा वो देखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि एशिया कप इंडिया का क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल शो दी कंटिन्यूशन की प्लेयर्स हमारी हमारे फुटबॉल में डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही है। हम 2011 में एशिया कप खेला, फिर 2019 में खेला, तो हम बार बार एशिया कप मिस नहीं कर सकते हैं। ओनली ब्रैंडन प्लेड कॉन्फिडेंट फुटबॉल से सिद्धार्थ, आई एग्री। वाई वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द डिफेंस डिस्पाइट ऑफ बहुत तेजी से जा रहा है, मुझे स्लो मोड ऑन करना पड़ेगा आई थिंक, इज इट हाउ टू डू इट। ठीक है, अभी देख लेते हैं। इंडिया अफोर्ड फाइनेंशियली स्टैमक को सैक करना, आई थिंक ज्यादा बड़ा क्लॉज नहीं होगा स्टैमक को सैक करने के पीछे, उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है। एनली फ्रेंडली ड्यूरिंग विंटर, आई डोंट थिंक, फ्रेंडली मार्च में ही हो सकता है। ब्रो व्हाट द ओल्ड प्लेयर्स डूइंग देयर, सैक देम सेज हिमांशु भट्ट। ओल्ड प्लेयर्स लाइक व्हाट हिमांशु भट्ट, why we are not able to penetrate the defense despite of sahel and brandon, i think sahel काफी anonymous थे पूरे हाफ में, दोनों पूरे मैच में, उनको समझ में नहीं आ रहा उनको करना क्या है, उनको मिडफील्ड में खेलना है, उनको एडवांस पोजीशन में खेलना है, आई थिंक वो क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्षितिज कह रहे हैं स्टीमक #स्टीमक आउट, आई डोंट नो, वी नीड गुड असिस्टेंट कोच हु गिव्स मोर इन्फो इंडियन प्लेयर्स, विव्यानो शुड हैव ट्राई फॉर दैट पोस्ट, योर रिएक्शन। आई डोंट थिंक विव्यानो शुड बी डूइंग असिस्टेंट कोच टू स्टीमक, he should be coaching any Indian team as a first team coach, it should be under 19, it can be under 23, mere hisab se next thing India need to do is to start a under 23 team, fully functional under 23 team, jahan pe young players ko aap exposure do senior team mein aane se pehle, jo abhi missing hai international level ka, uska coach aap Bibiano ko bana sakte ho, and hamari under 23 team active hi nahi hai, तभी एक्टिव होती है जब ओलंपिक क्वालिफायर्स होते हैं या एशिया कप एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स होते हैं अंडर 23 लेवल के। स्टीमक शुड बी गिवन एटलीस्ट वन फुल ईयर कॉन्स्टेंट, आल्सो लॉस्ट ऑल मैचेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। समनत खान कॉन्स्टेंट लॉस्ट ऑल द मैचेस, बट ही डिड नॉट लॉस्ट ऑल द मैचेस, वन अगेंस्ट गुआम इन बैंगलोर 1-0। उसके अलावा उन्होंने मैचेस हारे थे, ईरान से हारे थे उन्होंने मैचेस, विच वॉज अ वेरी गुड टीम दैट टाइम, एंड वो बांग्लादेश अफगानिस्तान से ड्रॉ नहीं खेल रहे थे, यू नो वो गुआम से हारे थे वहां पे, गुआम के ऊपर गुआम को हराया था अपने घर पे। तो आप देखना पड़ेगा किस लेवल की टीम से आप हार रहे हो, ये नहीं है कि आप एक टाइम के को इश्यू नहीं है, बट ये ज्वाइंट क्वालिफायर्स हैं। आप आई डोंट नो, मतलब इंडिया इस ग्रुप से थर्ड इंडिया को फिनिश करना चाहिए, अगर इंडिया थर्ड फिनिश नहीं करता है तो आई थिंक देन ही शुड गो, और मे बी इंडिया शुड डू समथिंग। विनीत को क्यों नहीं खिलाया, बिकॉज उनको लगा प्रणय ज्यादा अच्छा खेलेंगे, पर वो खेले नहीं। इंडियन टीम डजंट प्ले टुगेदर इनफ एंड नो कोऑर्डिनेशन नो केमिस्ट्री से रंजित बी, एग्रीड। आप फ्रेंडली मैचेस नहीं खेलोगे तो आप कोऑर्डिनेशन वगैरह कहाँ से बना पाओगे, दैट्स द पॉइंट। वी नीड समवन हु नो द लिमिटेशन एडवांटेज ऑफ इंडियन प्लेयर्स, आई थिंक वेंकी भाई नोज दैट, वेंकटेश, ही वॉज असिस्टेंट कोच ऑफ स्टीफन बाय द वे, ही इज असिस्टेंट कोच ऑफ आइगर स्टीमक ऑल्सो, तो उनको आइडिया है इंडियन प्लेयर्स के बारे में, वो खुद खेल भी चुके हैं सुनील छेत्री के साथ, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, ही इज डूइंग कोचिंग बैचेस। उसके अलावा आई डोंट नो इट स्टिल एग्जिस्ट और नॉट, स्टीफन के टाइम पे एक स्काउटिंग नेटवर्क होता था, प्लेयर स्काउट करता था, जैसे मनवीर सिंह को स्काउट किया था स्टीफन ने उनके स्काउटिंग नेटवर्क ने, क्या वो स्काउटिंग नेटवर्क अभी भी है आइगर स्टीमक के पास, वो एक पॉइंट है जो उनको पूछना चाहिए, हम मीडिया एज ए मीडिया हमें भी पूछना चाहिए, क्या वो स्काउटिंग नेटवर्क चल रहा है अभी भी, अगर है तो क्या नए प्लेयर स्काउट किए जा रहे हैं, कौन से प्लेयर हैं, उनको आप कब चांस दोगे, फ्रेंडलीज आप खेलते नहीं, तो इसलिए अंडर 23 टीम स्टार्ट कर सकते हो। होलीजर नाजरी शुड बी गिवन अ चांस, जब होलीजर नाजरी स्टीफन के अंडर खेलते थे तो लोग उन्हें गाली देते थे, अब चांस देना चाहिए, थोड़ा सा लोग कन्फ्यूजन है, आई थिंक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कोई प्लेयर बुरा या अच्छा नहीं होता है, सिचुएशन उस टाइम पे बुरी अच्छी होती है, कोच की टैक्टिक उस टाइम पे बुरी अच्छी होती है। देयर इज नो मेंशन ऑफ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर एशिया कप फॉर थर्ड प्लेस टीम, सौरभ सैनी, देयर इज अ वे, वी हैव डन अ डिटेल आर्टिकल अबाउट इट बिफोर द क्वालिफायर्स, यू जस्ट पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ट्विटर @7negiashish ऑन ट्विटर और @7negi_ashish, आई विल सेंड यू 7negiashish @instagram एंड 7negiashish ऑन ट्विटर, आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दैट आर्टिकल। देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द बॉल एनी रीजन,
बिकॉज आपके जितने प्लेयर्स थे छेत्री फर्स्ट हाफ में, आशिक, उदांता, सहल, ये सब आगे खेल रहे थे, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खेल रहे थे, तो ये लोग मूवमेंट ने आगे कर रहे ना पीछे कर रहे थे, दैट्स द रीजन कि ऑफ बॉल मूवमेंट था ही नहीं। पर उन्हें भैया क्या ऑफ बॉल मूवमेंट देते, पेस नहीं है उनका इतनी। ओमान जीत गया है 4-1, ऐसा अभी कमेंट आया है, मैं चेक कर लेता हूँ स्कोर एक बार। या ओमान 90-03 एंड अल हदी ने गोल मारा है। आई थिंक काफी डिफरेंट गोल स्कोरर है, उन्होंने डिफरेंट लाइनअप खिलाई है मुझे लगता है बांग्लादेश के अगेंस्ट। मैं लाइनअप चेक कर लेता हूँ ओमान की, इंडिया के अगेंस्ट कंपेयर करता हूँ उस लाइनअप को। अल हफ्जी की वापसी हुई है टीम में, इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे वो। उसके अलावा आई थिंक उन्होंने काफ़ी टीम चेंज की है ओमान ने, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ओमान की प्लेइंग 11 में नहीं है जो इंडिया के अगेंस्ट गुवाहाटी में खेल रहे थे। हैदोस वगैरह नहीं खेल रहे हैं, तो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि ओमान के वो प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं जो गुवाहाटी में नहीं खेल रहे। आई थिंक अल हफ्जी खेल रहे थे गुवाहाटी में, आई थिंक कतार थोड़ा मिक्स कर गया मैं। भाई आंसर कर दो, बहुत तेजी से क्वेश्चन जा रहे हैं आंसर देखने। हम किधर हैं, हम किधर हैं, इट्स ड्रॉ, हम अभी फोर्थ हैं, हम जस्ट बिहाइंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास अब 4 पॉइंट है, इंडिया के पास 3 पॉइंट है। इंडिया शुड गेट कोच, नॉट सस्ता कोच। आई डोंट नो सस्ते कोच है कि नहीं, पैसे तो बहुत दे रहे हैं। हिमांशु सेज ब्रो व्हाट द ओल्ड प्लेयर्स डूइंग देयर, सैक देम, पुरनाय, कोटाल, इवन सुनील, जब हारना ही है तो उनको यंग का मौका मिलना चाहिए। ही इज अ पॉइंट कि यंगस्टर्स खिला के हारो, अगर आप मैच हार भी रहे हो तो। सर्जियो और बिबियानो, आकाश वत्स, इंडियन टीम शुड प्ले प्रो, वाई कांट वी प्ले अंडर 23 टीम इन ISL? आई डोंट नो, ISL में तो नहीं खिला सकता, आई लीग में मे बी एरोस खेलता ही ऑलरेडी। इज स्टिमक अनलकी? आई विल नॉट से इज अनलकी, उनकी टैक्टिक्स एक मेन रीजन है कि वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं इस टीम के साथ। टेक्टिकली आई थिंक वो साउंड होंगे आई एम श्योर, बट सही टैक्टिक्स नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, मैचेस के अकॉर्डिंग जो उन्हें करनी चाहिए, सामने वाली टीम को देख के जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इफ वी लूज टूडे इट वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर AIF टू सैक स्टिमक, चेंज कोच, सैक स्टिमक सेज अभिनव। काफी लोग कह रहे हैं कि समय को निकालना चाहिए, इंडिया शुड प्ले प्रॉपर फुटबॉल, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। आई टोटली अग्री आकाश जो कह रहे हैं कि आप मॉडर्न फुटबॉल में राइट बैक लेफ्ट बैक की बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रासरूट लेवल इंप्रूव करें। अगर ग्रासरूट लेवल इंप्रूव तो करना चाहिए और कर भी रहे हैं, बट उसका असर आज नहीं दिखेगा आपको, उसका असर कम से कम 10 साल बाद दिखेगा। इंडिया शुड प्ले, मैंने कह दिया आकाश को, वाई इंडिया इज नॉट प्लेइंग फ्रेंडलीज, इज इट निग्लेक्शन ऑफ AIF और फाइनेंशियल कंडीशन? आई थिंक इट्स अ मोर ऑफ मिक्स, फाइनेंशियल तो नहीं बोलूंगा, वो कुछ टैक्टिकल भी रीजन दे रहे थे बीच में कि वो एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने प्लेयर्स की अपनी टैक्टिक्स सामने वाली टीम के लिए, इसलिए नहीं खेल रहे थे, ये कुछ सुनने में आया था अनऑफिशियली। वी शुड इनवाइट एटलीस्ट सम ऑफ द इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स व्हेनेवर इंडिया लूज, द टॉपिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया प्ले बैड, द टॉपिक ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स कम्स अगेन। तो सचिन भी दोबारा वही सवाल उठा रहे हैं, भाई थर्ड और हम एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड थर्ड राउंड में ही एंटर ही करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो लेट जस्ट गिव मी, आई लेट मी गिव यू कन्फर्मेशन ऑफ दिस थिंग, ये क्या है, थर्ड बेस्ट प्लेस टीम क्वालिफाई कर सकती है एशिया कप के लिए, वो टॉप 6 टीमें हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, अब बहुत बार डाउट आ रहे हैं तो लेट मी क्लियर दिस आउट। सो आप देखिए इसमें फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट राउंड जो है हाँ जी, अब आप देखिए जो टीम ओके, सो AFC हैव चेंज इट बाय द वे, क्वालिफाइंग टाई ब्रेकर को मैं चेक करता हूँ सोर्स AFC का। So, पहले ये चीज बोल रहा था कि थर्ड टीम बेस्ट 6 टीमें वो एशिया कप क्वालिफाई करेंगे जो थर्ड प्लेस टीम है ओके। अब ये चेंज हो गया है, अब थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर सकते हो, तो मतलब इंडिया एशिया कप के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई ये नहीं कर सकती है। ये एक बार AFC का हमें चेक करना पड़ेगा, अभी ये मैं विकीपीडिया पे चेक कर रहा हूँ क्योंकि विकीपीडिया यूजली AFC अपडेट करता है, बट वी विल चेक दिस थिंग विद द AFC कि क्या गे वाला रूल चेंज उन्होंने किया है, बिकॉज पहले तो अभी ये कह रहा है कि जो बेस्ट 6 सॉरी बेस्ट 5 टीमें हैं सेकंड रनर अप वो डायरेक्ट जाएंगी एशिया कप में और थर्ड राउंड में, उसके अलावा जो बची हुई 3 सेकंड टीमें हैं अपने ग्रुप की वो जाएंगी एशिया कप में, और जो थर्ड प्लेस टीम है वो जाएंगी
एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड में. तो इंडिया डायरेक्ट भी अगर अकॉर्डिंग टू दिस, अभी ऑफिशियल नहीं है, लेट अस चेक इट विद एएफसी एंड एआईएफएफ वंस एंड गेट बैक टू यू गाइस कि ऑफिशियल है कि नहीं. बिकॉज अगर ऐसा है तो फिर तो इंडिया, आई डोंट थिंक इंडिया यहाँ से सेकेंड तो फिनिश नहीं करेगी. तो इंडिया के लिए एशिया कप की जर्नी और मुश्किल हो गई है. इंडिया शुड गो विद न्यू सेंटर फॉरवर्ड. ज़्यादा सेंटर फॉरवर्ड हमारे पास है नहीं. मैंने देवलकर, आई नो विकीपीडिया में सब कुछ है, बट विकीपीडिया के हिसाब से नहीं, एएफसी ने एक रिलीज भेजा था पहले, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि थर्ड प्लेस टीम भी डायरेक्ट एशिया कप क्वालिफाई कर सकती है. आई थिंक ये क्योंकि उन्होंने 16 टीमें तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही हैं एशिया कप के लिए एंड 8 टीम्स. ओके ठीक है, 24 टीम का एशिया कप है, 16 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी और 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी आपके क्वालिफायर से. 16 में से एक कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपके एक्चुअली ग्रुप्स हैं, आपके टोटल ग्रुप्स आपके हैं इस टाइम पे, लेट मी चेक, ए से लेके, या ए से लेके ए बी सी डी एफ जी एच. तो 16 में से 8 आपकी ग्रुप विनर क्वालिफाई करेंगी. सॉरी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है. 8 ग्रुप विनर क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद आपकी 8 नॉट 8 बट 6 आपकी, सॉरी 5 आपकी सेकंड प्लेस बेस्ट टीम क्वालिफाई करेंगी, विच मेक्स इट 13 राइट. और उसके अलावा जो बची हुई स्पेसेस है, दैट्स 11 स्पेसेस, वो होगा क्वालिफायर से डिसाइडेड, इफ आई एम राइट अबाउट इट. अगर मैं सही हूं इस बारे में तो 8 ग्रुप विनर एंड 5 सेकंड प्लेस बेस्ट प्लेस टीम विल क्वालिफाई फॉर एशिया कप. तो आप देख लीजिए, एशिया कप का भी मुश्किल हालातों में है इंडिया का, कैसे होगा क्या नहीं. तो थोड़े लास्ट क्वेश्चंस ले लेता हूं बिफोर फिनिशिंग दिस ऑफ. सुभाषिस बोस को खिलाना चाहिए, आई थिंक जिस तरह का इंडिया का डिफेंस है, सुभाषिस बोस को लेफ्ट बैक में खेलना चाहिए, बिकॉज मंदाराव देसाई को बार बार टीम्स टारगेट कर रही है उनके वीक डिफेंसिव प्ले के वजह से. ब्रो व्हाई ऑल द अपोनेंट्स अगेंस्ट इंडिया प्ले विद फुल कॉन्फिडेंस, प्ले लाइक बीस टीम वाइल इंडिया प्ले लाइक बॉय, जस्ट इज इंडिया नॉट अग्रेसिव, इट्स एक्चुअली हैपेंड. नाम नहीं पढ़ पाया, कहते हैं बाकी टीमें इंडिया के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस से खेलती, इंडिया क्यों नहीं खेल पाती है. आई थिंक प्रेशर होता है इंडिया के ऊपर, जैसे बांग्लादेश का मैच था कि इंडिया को क्रिएट करना है, और प्रेशर में हमारे प्लेयर्स थोड़े घबरा जाते हैं कि वो चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं. एक रीजन ये भी हो सकता है, फैन का भी प्रेशर है. आप देखिए यहाँ पे भी इंडिया के फैंस आए हुए थे, कोलकाता में भी फुल हाउस था, उसका भी एक प्रेशर है. जहां भी इंडिया खेलती है फैन जरूर होते हैं. वेयर इज स्टीमक गोइंग रॉन्ग आकाश? आई थिंक स्टीमक इज गोइंग रॉन्ग इन हिज टैक्टिक्स. आई एम नॉट अ कोच, बट एज अ लेम मैन आई कैन थिंक व्हाट आई थिंक इज दैट हिज सिलेक्शन ऑफ टैक्टिक्स ऑन अ पर्टिकुलर मैच इज नॉट गुड, इट्स नॉट करेक्ट. दैट्स माई थिंकिंग, बट ऑफकोर्स इज अ कोच, he's a licensed coach, but that's what Croatian fans also said when he was appointed as an India coach, ki inki tactics bahut confusing hoti hai. Wo jo Croatia ke best player hai Luka Modric, unko Ivan Rakitic unko kabhi wingers ki tarah bhi khilate the ek zamane mein. Bola second runner up, which means third place, not second place. Nahi, second runner up nahi hai, second place, sixth best team runner up, matlab second place जो सेकंड नंबर पे रहेंगी ग्रुप, वो सिक्स बेस्ट टीम्स, वो टोटल 8 टीम होंगी, उस 8 में से 5 बेस्ट टीम क्वालिफाई करेंगी एशिया कप के लिए एंड वर्ल्ड कप थर्ड राउंड के लिए. उसके अलावा जो बची हुई 3 टीमें होंगी उसमें, वो जाएंगी एशिया कप क्वालिफाई थर्ड राउंड में, और सब बची हुई थर्ड और फोर्थ टीमें जाएंगी एशिया कप क्वालिफाई थर्ड राउंड में. जिस तरह इंडिया खेल रहा है, इंडिया का थोड़ा मुश्किल लग रहा है हालात इस टाइम पे. एल्बर्ट रोगा कैन बी बेटर चॉइस बिकॉज ही न्यू आई लीग एंड आईएसएल प्लेयर देन इवन एएफसी कप प्लेयर्स, विच इज गुड. मतलब उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किस रीजन से हुआ वास्तव में पता नहीं है. 12 टीम इज गो टू थर्ड राउंड टीम, या वही कह रहे हैं 8+5 डिपेंडिंग ऑन जो क्वालिफाई कर रहा है, तो वो 12 टीमें जाएंगी और बची हुई 12 क्वालिफायर से जाएंगी. एल्बर्ट रोगा मैंने बता दिया है, जॉबी कोमल गहलोत अनिकेत माधव अनास को आईएसएल टीम में गेम टाइम नहीं मिल रहा है, ये चिंता की बात है. रक्षित शर्मा, बहुत सारे और भी प्लेयर्स जिनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है, आप देखिए तो ये चिंता की बात तो है.
अगर आपके मेन प्लेयर लीग फुटबॉल नहीं खेलेंगे रेगुलरली तो वो मैच फिट नहीं रहेंगे और उनको दिक्कत होगी। तो ये सिलेक्शन भी मेरे हिसाब से करंट फॉर्म के ऊपर होनी चाहिए, ना कि पास्ट फॉर्म के ऊपर। अगर नहीं खेल रहे हैं तो उनको कॉल अप नहीं करना चाहिए। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब एंटोनी मार्शियल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं खेलते हैं तो फ्रांस वाले उनको नहीं बुलाते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे प्लेयर हैं, वो अपने उन्हीं प्लेयर्स को बुलाते हैं जो रेगुलरली खेल रहे हैं। तो सारी जगह दुनिया में ऐसे ही होता है, इंडिया को भी ऐसे सिलेक्शन करना चाहिए। Igor Stimac got 6-8-2 months to make his team and play certain way, but we are still struggling, not able to cope up with high pressure game. Don't you think we should prioritize in our approach, says Mayank Das. Correctly, fine, I think what you're saying, we were doing that against Qatar in Qatar and we played 0-0 draw because we were playing pragmatic, we were not taking much risk. But teams like Bangladesh and Afghanistan, we need to create chances, we need to score goals, and till now in this qualifiers we have scored 3 goals and all 3 has come from set pieces, by the way. So that's what tell you that we are not creating chances, enough chances from open play, we are not making scoring goals from open play. So I think there need to be something tweak in the tactics, by the way. He should select players like Nazary and JJ. JJ is unfit, by the way, and Nazary he called I think in the camp, but he was not selected in the final squad. Indian India star player like Salah and Lewandowski would take him next level. Fresh tech, कहाँ से लाएं Salah और Lewandowski? यार इंडिया में तो नहीं मिलता, अगर मैं आपको मिले तो बताना आपके आस पड़ोस में हो तो। By so many missed passes, artificial turf is no excuse today. यार artificial turf में आपके ground passes खराब नहीं होते हैं। एक artificial turf में क्या होता है, actually bounce आपको खराब मिल जाए, बॉल की पेस ज़्यादा हो जाती है, जब बॉल आती है लॉन्ग बॉल टप्पा खा के आगे पीछे, वो आर्टिफिशियल टर्फ में होता है। आपके ग्राउंड पासेज आर्टिफिशियल टर्फ में खराब नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स ने आर्टिफिशियल टर्फ में कभी नहीं खेला, वो खेला है उन्होंने पहले। उम्मीद से के बारे में कोई अपडेट नहीं है, मैच से पहले एनी फ्रेंडली, कोई मार्च से पहले देयर शुड बी फ्रेंडली, बट इंडिया नोइंग AIFF इंडियन फुटबॉल टीम, हम खेलते नहीं है तो मे बी ना हो, हम ISL टीम से खेले दोबारा से। Indian play very well in ISL but not good in national team. Is that coach or facility provided which makes the difference? I think double factors hai. Coach can be a reason, but another reason is in ISL, so I'm an Indian player and say camera is the other Indian player, but I'm not majority time, I'm not passing to my camera, my second Indian player. I have some foreigners around me who are technically sound and technically better than others Indian players, so there's foreigners in between, so I have to pass to foreigner and then foreigner is passing ahead. That's how ISL squad, you know, aapko main ek summary de raha hu, hum detail analysis kar rahe, they play well, but when aap national team mein aate ho, aapke charo taraf Indian players hote hain, to wahan pe wo technically same level pe hai, but aapse technical better players kam hai jis bande ka ball hai, to isliye thodi problem hoti hai, thodi nahi kaafi problem ho rahi hai. Qatar 1-0 in a friendly, says Dhangpur. What about Nishu? उसको try कर सकते हैं, at least he will use his right foot. Nishu को left back खेलते हैं, right back खेलते हैं, उसको try तो कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे हैं, issue ये भी है. India perform well because when we are underdogs, because we defend well, because Stephen की team है, वो defend करना आता है, defend के लिए train किए गए थे. But Stephen की team counter attack में goal मारती थी, ये team counter attack में goal नहीं मार पा रही है, that's another reason. हमारा counter attack भी इतना नहीं चल रहा है. क्या कभी इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा? मुश्किल है भाई. अक्षय भाई किसने पूछा है, बहुत तेजी से गया, पता नहीं किसने पूछा है, मुझे नहीं पता खेलेगा नहीं खेलेगा, बट अभी तो मुश्किल लग रहा है. बट अबाउट इंडिया परफॉर्म वेल व्हेन वी आर अंडरडॉग, आई सेड भाई Stimac के अपॉइंटमेंट के बाद लोग कह रहे थे कि स्टार्टिंग में एक ही स्टाइल खेलेंगे, उस पर क्या काम कर रहे हैं. लोग कह रहे थे कि स्टार्टिंग से एक ही स्टाइल खेलेंगे. यार स्टाइल क्या है, पासिंग फुटबॉल है तो पासिंग फुटबॉल तो हमें देखने को इतनी मिल नहीं रही है. आप गोल चेस करते हो तो आप सिर्फ 4 या 5 फॉरवर्ड को पिच में डाल दोगे, उससे गोल नहीं पड़ते. आपके मिडफील्ड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए गोल बनाने के लिए. हमारे मिडफील्ड में कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, वो ब्रैंडन नहीं थे सिर्फ जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी क्रिएट नहीं कर पाया ज्यादा. एल्बर्ट रोको को चाहिए Stimac को सैक करना चाहिए. क्रिकेट मेनिया सेज कि स्टीफन को सैक करके Stimac को सैक करके एल्बर्ट रोको को लाना चाहिए. आई थिंक Stimac इज अ बैड होम वर्कर, ही शुड हैव गिवन पनिशमेंट. वेयर इज माई रियल टीम, वो कह रहे हैं Stimac को पनिशमेंट देनी चाहिए. आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हैं, Stimac की बात कर रहे हैं या यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो आई थिंक अब आप मुझे लगता नहीं मैं अगले मैच का हमें पोस्ट मैच टैक्टिकल एनालिसिस करना चाहिए इस मैच का, नहीं करना चाहिए, या अगले मैच का प्रीव्यू डायरेक्ट करना चाहिए, उसी में पिछले मैच की बात करनी चाहिए. डिसाइड करेंगे कल, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, उस बारे में फिर सोचते हैं. तो उसी में भी मिक्स करके हम वीडियो करेंगे. तो 2022 वर्ल्ड कप इंडिया का क्या होगा भाई, इंडिया का वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप हम नहीं खेलने वाले भाई, सॉरी आपका दिल तोड़ने के लिए, पर हम नहीं खेलेंगे.
इंडिया नीड क्रिएटिव प्लेयर्स, सहेल ब्रैंडन वन ऑफ द मोस्ट इंडियन क्रिएटिव प्लेयर्स, वो भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो बोरिस को चांस दो यार। बोरिस अभी आई लीग ही नहीं खेल रहा, मतलब आई लीग इज ऑफ, सो व्हेन ही स्टार्ट प्लेइंग देन मे बी, ओ सॉरी जहाँ भी हूँ आईएसएल में वो भी नहीं खेल रहे हैं। प्लेयर्स फ्रॉम देयर ओन साइड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नॉट ऑलवेज ब्लेम कोच। आरकेटे इज फाइन, प्लेयर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर ब्लेमिंग प्लेयर्स ऑल्सो। पर्णिया को ब्लेम किया, उदांता को ब्लेम किया, आशिक को ब्लेम किया, बट टेक्टिक वाइज क्या आपके मिडफील्ड में बॉडीज नहीं है, आपके मिडफील्ड में बंदे नहीं है जो आपस में पासिस खेल सकें, वो प्लेयर्स की गलती नहीं है, वो कोच की टेक्टिक की गलती है। स्टार्टिंग की एक ही स्टाइल, मतलब यूथ से उस पर क्या डेवलपमेंट है, वो काम है टेक्निकल डायरेक्टर का देखने का। अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है, अंडर 16 अपना एक स्टाइल खेल रही थी, अंडर 19 दूसरा स्टाइल खेल रही है, और इंडियन फुटबॉल टीम दूसरा स्टाइल, उसे इंप्लीमेंट करने थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। 2050 में भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, पता नहीं यार, एक बार तो खेल लें एटलीस्ट मरने से पहले। स्टार्टिंग से हाँ, क्रोएशिया फुटबॉल डेलीगेशन नवंबर को आना था, क्रोएशिया इंडिया मैच मार्च में विंडो है, अगर वो मैच हो सकता है तो बस मैच से हमें क्या मिलेगा अगर हम क्वालिफायर्स इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं खेलते ढंग से। तो प्लेयर 2026-2030 फीफा भी नहीं खेलते 2026 में भी 48 टीम वर्ल्ड कप है, या 2023 वर्ल्ड कप में भी चांसेस हो सकते हैं, बट ऐसे खेलेंगे तो वहां पे भी चांसेस नहीं मिलेंगे। बट यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच, आई थिंक अगेंस्ट ओमान, अगर हम अंडरडॉग की तरह खेलते हैं, हम डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, वी ट्राई टू हिट दम ऑन अ काउंटर, देन मे बी वी हैव अ चांस। बट अगर जैसा हमने आज खेल रहे थे दो मिडफील्डर के साथ, उसमें से एक पुरनोय हवलदार थे, नहीं अगले मैच में पुरनोय को खिलाना बनता है, बट देन आप पुरनोय के साथ में सहेल की जगह थापा को डालिए, थापा ब्रैंडन एंड पुरनोय को खिलाइए, क्योंकि हम लोगों को डिफेंड करना है, तो पुरनोय उस टाइम बनता है खेलना, पर आज के मैच में पुरनोय का आई डोंट थिंक सो बनता था। व्हेन यू आई बताया भाई आज मिस पासिंग ज़्यादा क्यों थी, व्हाट डू यू फील द रीज़न, आई थिंक प्लेयर वर नॉट प्लेइंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मिडफील्ड में बॉडीज नहीं थी, पहला रीज़न ये है। आप शॉर्ट पासिस खेलने तो आपको बंदे चाहिए वन टू वन खेलने के लिए, ना पुरनोय पे एबिलिटी है, पुरनोय अपने को अवेलेबल भी नहीं करा रहे थे, ना उन पर एबिलिटी है, सहेल ड्रॉप नहीं कर रहे थे, छेत्री बहुत कम ड्रॉप करते, उदांता आशिक अपने को अवेलेबल नहीं करा रहे थे, तो देर मोस्टली टाइम ब्रैंडन कुछ ना कुछ ट्राई करके पासिस करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। वी शुड प्ले 3-5-3 फॉर्मेशन वेयर सुशीरा एंड मंदार कैन प्ले एज अ विंग बैक, पर बोथ आर दी लेफ्ट साइडेड विंग बैक बाय द वे, तो वो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। एफ सी गोवा प्लेयर सेव्ड अस, यस, बट देन एफ सी गोवा प्लेयर के वजह से गोल भी हुआ है, मतलब मन्नार की तरफ से क्रॉस आया था गोल पे एंड ब्रैंडन ने मिस पास किया था, तो ऐसे ठीक है, क्लब को क्रेडिट देना चाहिए बट ज़्यादा भी नहीं। ब्रो 2026 वर्ल्ड कप में ऐसा से कितनी टीम जाएगी एशिया से, अभी तो देखो कुछ स्लॉट्स आए नहीं है, बट पहले जो उम्मीद लगाई जा रही थी 8 टीम एशिया से जाएगी, अगर 8 टीम जाती तो अभी 4 जाती है, तो 4 से डबल हो जाएगी 8, तो एक इंडिया मतलब ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट हम लोगों को। इंडिया को शॉर्ट पासिंग सूट नहीं करता, इंडिया को सिर्फ इंग्लिश स्टाइल यूज़ करना चाहिए क्योंकि रिजल्ट लेता है। ऐसा नहीं है स्टीफन के अंडर हमने शॉर्ट पासिस खेले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग स्टाइल से हम रिजल्ट लेके आए थे, बट शॉर्ट पासिंग शूट कर सकता है अगर आप सही टैक्टिक से खेलो। आज शॉर्ट पासिस आप खेलते कैसे हो, अगर एक मिडफील्ड पुरनोय हवलदार है और वो ज़्यादा पासिस एबिलिटी रखते नहीं है, तो ऐसे उसमें आपके टैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। व्हाट इज टीमक बेस्ट एट्रीब्यूट, आई थिंक सिलेक्शन में भी टीम सिलेक्शन का बेस्ट एट्रीब्यूट अभी तक मुझे और उसके अलावा कुछ दिखा नहीं है। सर इंडियन प्लेयर्स फुटबॉल नहीं होगा स्टिल क्रिकेट, ऐसा नहीं है फुटबॉल नहीं होगा, क्रिकेट है पर फुटबॉल की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेफ्ट बैक कौन खेल सकता है इंडियन टीम में अच्छा, आई थिंक जो भी है जितनी भी गलतियां जेरी लारन जोरा ने करी है, मैं होता तो मैं ही उनको लेफ्ट बैक में उनको ग्रूम करता, क्योंकि एक लेफ्ट बैक है, उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ लेफ्ट बैक की तरह खेला है लाइफ में अपने, वो विंगर नहीं है, वो सेंटर बैक नहीं है, मैं उनको ही खिलाता, चाहे गलती करी है बट यंग प्लेयर्स गलती करके ही सीखते हैं। मेरे लिए मेरे लेफ्ट बैक वो होते। फुटबॉल टीम को फिर से फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, इंडियन टीम 2-3 साल इंटरनेशनल ना खेलकर यूरोप जाके प्रैक्टिस करें फिर खेलें, ऐसे पहले करते थे हम लोग प्रियांशु, बट अब ये नहीं काम चलेगा, आपको लीग फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। अमरजीत गेम चेंज कर सकता था, हाँ अगर अमरजीत होता प्रणय की जगह तो आई थिंक थोड़ी गेम डिफरेंट होती, अमरजीत ब्रैंडन के क्लोज खेलता, वो दोनों पासिंग फुटबॉल खेलते तो थोड़ा डिफरेंस पड़ता, इवन थापा खेलता थोड़ा डिफरेंस जरूर पड़ता, क्योंकि इस साल किसी कोच को यूज कर सकते हैं इंडिया के लिए, ऐसा भी मुश्किल होता है लीग और उसमें कोच करना, बट आप यूज तो कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो किसी कोच को दोनों जगह कोच करे, सर्जियो लबोरा में भी, बट वो करेंगे नहीं, एफसी को अलाउ ही नहीं करेगा। रग्बी के ऊपर फोकस करो कह रहे राकेश रे, हर स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, रग्बी ही क्यों, एक्सक्यूज मी।
अब रैप अप करते हैं, बोल भी दिया किसी ने, शिवेंद्र मिश्रा ने, काफी देर हो गई है, आई हैव टू गो ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि मैं तो शायद इस मैच की टेक्टिकल रिव्यू तो नहीं करूंगा, एक कंबाइंड में भी प्रिव्यू करूंगा, इंडिया जो कतार का मैच है उसके लिए प्रिव्यू करूंगा, एंड उसी में इस मैच का कुछ ट्विक मतलब उसी अंदर डाल दूंगा सेक्शन मैच के बारे में, कौन फुलबैक्स होने चाहिए ट्राई करने के लिए। आई थिंक सैरेटन फर्नांडिस एंड ज़ेरी लॉन्ज़ारा मेरे दोनों फुलबैक होंगे अगर मेरे चांस है तो। सैरेटन फर्नांडिस राइट बैक एंड ज़ेरी लॉन्ज़ारा द लेफ्ट बैक। यू आर शोइंग सो मच डेडिकेशन फॉर इंडियन फुटबॉल, हैट्स ऑफ फॉर नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन स्टार्टिंग में थी, पर ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आप बिना हार के नहीं, मतलब बिना हारे आप कोई भी चीज जीत नहीं सकते, आपको हारना तो पड़ेगा लाइफ में कभी ना कभी, तभी आप जीतना सीखोगे। टेक्निकल डायरेक्टर चेंज करो। टेक्निकल डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है यार, नेशनल टीम कैसे खेलती है उनका काम कुछ हो रहा होता है। मैंने आपको बताया था एक लाइव स्ट्रीमिंग में कि टेक्निकल डायरेक्टर क्या करता है। उधानता इज रैकेटिक ऑफ इंडियन फुटबॉल कह रहे हैं बी लॉग, आई फील अ विन अगेंस्ट ओमान बी लॉग बहुत पॉजिटिव है, कह रहे हैं ओमान के अगेंस्ट मैच जीत सकते हैं। डी स्पोर्ट्स आई लीग ब्रॉडकास्टर उस्मान, रिगार्डिंग डी स्पोर्ट्स कल एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल आ रहा है आई लीग के ऊपर कि कैसे जो नई कंपनी आ रही है आइलैंड से वो प्रोडक्शन करेगी, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कल दिन में वो आएगी तो वो आप लोग देखना जरूर। आई लीग का ब्रॉडकास्टर कौन है? डी स्पोर्ट्स आई लीग का ब्रॉडकास्टर है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल? एज ऑफ नाउ आई थिंक वी हैव अ गुड फ्यूचर, बट तो कब गुड बनेगा ये नहीं पता, 5 साल में 10 साल में, बट वी हैव अ फ्यूचर, फ्यूचर तो है। वाई दे प्ले बैक पासिंग? बिकॉज फ्रंट में प्लेयर अवेलेबल नहीं है पास करने के लिए। एंटोनियो लोपेज हपास को ट्राई करना चाहिए सेज अमीज बॉमिक, फॉर श्योर आई थिंक एटीके के फैन है वो बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, इट वाज अनदर फ्रस्ट्रेटिंग मैच फॉर अस बाय द वे, जिस तरह हम लोगों ने खेला कर सकते थे, मुझे लगता नहीं मतलब कैसा हो क्या नहीं है। बट एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि 200 लाइक्स नहीं हुए, मैंने अभी खोल के देखा है, एंड 200 से ज़्यादा लोग बहुत देर से देख रहे हैं। और अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप खेलना और टीवी को सब्सक्राइब करिए। हम लोग रेगुलरली इंडियन फुटबॉल के टेक्टिकल वीडियो, ISL की हाइलाइट्स आ रही है, मुझे क्वेश्चन पूछना है, हम लोग हाइलाइट्स डाल रहे हैं ISL की, प्लीज़ वो वीडियोज़ भी देखिए। टॉप 10 वीडियोस डाल रहे हैं गोल के, उन वीडियोस को देख के सपोर्ट कीजिए, बिकॉज वो भी हम लोग काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं, तो वो उसको देख के आप सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस को देखें, एटलीस्ट लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन टैब में सारे सोशल मीडिया दे दिया है मैंने, वहाँ पे भी सारे मैच का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल आ गया होगा, मैं अगर चेक कर लेता हूँ, अगर आइगर स्टीमक का पोस्ट मैच आ चुका है तो उसके बारे में आपको थोड़े कोट्स में डिस्कस कर देता हूँ। तो वेब खेलना/news में आप देख खेलना.com/news वहाँ जाके आप देख सकते हो पोस्ट मैच का जो कवरेज है, दोनों मैच की पोस्ट कॉन्फ्रेंस वहाँ पे आएंगी। उसके अलावा खेलना फुटबॉल फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो, खेलना ऑन ट्विटर, एंड उसके अलावा खेलना ऑन इंस्टाग्राम इज फाइनली एक्टिव एंड रनिंग, जैसा आप लोगों को चाहिए था आप वहाँ जाइए वापस से, आप देखिए आपको सब कुछ अपडेट्स वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। @खेलना ऑन इंस्टाग्राम @खेलना ऑन ट्विटर, ये सारे हैंडल्स आप जरूर लाइक कर लीजिए, आपको न्यूज़ नहीं मिस करना। इंडियन फुटबॉल की इंपॉर्टेंट बड़ा सीजन है, आई लीग की कल एक्सक्लूसिव स्टोरी आ रही है कि आई लीग का प्रोडक्शन कैसे होने वाला है इस सीजन, वो भी आप लोग देखना। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो 7negiashish ऑन ट्विटर एंड 7negi_ashish ऑन इंस्टाग्राम, मैं काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स देता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो अब इसको थोड़ा फिनिश करते हैं, बट अगर मैं चेक कर लेता हूँ 200 लाइक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, 170 लाइक्स हुए हैं, सॉरी नहीं 232 लाइक हो गए हैं, थैंक यू गाइस फॉर लाइकिंग। 12 लोगों ने डिसलाइक भी किया, पर ठीक है उसके बिना कोई इशू नहीं है, डिसलाइक तो करेंगे ही लोग। बट आप सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन टैब में है, वो आप जरूर देख लेना एक बार। FSDL मैच शेड्यूलिंग 2 days prior to qualifiers, any take in that? सुब्रता दे, वर्ल्ड वाइड लीग्स में यही होता है, एंड व्हाट FSDL इज सेइंग दैट कि हमने कोच से पूछ के शेड्यूल बनाया है, तो ये शेड्यूल कोच ने AFF ने अप्रूव किया है, हमने अपनी मनमर्जी से नहीं बनाया, तो दैट्स देयर पॉइंट बाय द वे, एंड उसके बाद से कोई स्टेटमेंट AFF की तरफ से भी नहीं, कोच की तरफ से भी नहीं आई। एनी ओपनिंग इन खेलना TV? अभिनव शिलवंत, देयर आर सम ओपनिंग कभी ना कभी होती है, आप अपना CV jobs@khelnao.com पे भेज दीजिए, हम देखते रहते हैं कोई अच्छा बंदा मिल जाए, पैशनेट बंदा मिल जाए, उसको हायर कर लेते हैं। तो jobs@khelnao.com ये हमारे सोशल मीडिया में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे मैसेज करेंगे तो कोई ना कोई टीम्स आपको रिप्लाई कर देगा, ईमेल एड्रेस दे देगा, वहाँ मेल भेज सकते हो। इंडियन टीम कलेक्टिव प्रेस क्यों नहीं करती? अकेले सुनील छेत्री प्रेस क्यों कर रहा था? सुनील छेत्री भी ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहे थे, ये इशू मैंने हाईलाइट किया है अपने मैंने पॉइंटर्स में लिखा है कि नो प्रेसिंग बाय इंडिया फ्रॉम फ्रंट, 40th मिनट मैंने पॉइंटर में लिखा था। भाई कल लाइव तो आज का ही आप समझो इनसाइड इंडियन फुटबॉल हो गया है, कल मैं कतार वाले वीडियो पे काम करूंगा,
सो आपको मैं कतार वाला वीडियो कोशिश करूंगा कि सैटरडे या संडे को दे दूं ताकि आप लोग आराम से देख पाओ, और उसी मैच में बड़ा वीडियो कर देंगे थोड़ा सा दोनों का, इस मैच का रिव्यू एंड उस मैच का प्रीव्यू, तो कि आप लोगों को टाइम से मिल जाए। अंडर 19 टीम भी बेकार खेल रही थी है, व्हाट वी आर मिसिंग, आई थिंक दे आर बेसिक फंडामेंटल्स थोड़े से मिस कर रहे हैं दोनों जगह, एंड वो चीज बेसिक फंडामेंटल तक सही नहीं तब तक मुश्किल है। उड़ीसा एफसी स्टेडियम अपडेट, दे विल प्ले इन पुणे, बाय द वे रक्षित शर्मा हाईली के क्वेश्चन आईसीएल क्वेश्चन आ गए हैं। इंडिया का कोई चांस है, इंडिया का मुश्किल है नीरज भाई, बहुत मुश्किल है। थोड़ा डिटेल रिव्यू करना भाई इंडिविजुअल प्लेयर्स को लेके, हिमांशु भट्ट मैं कोशिश करूंगा प्लेयर रेटिंग करने की उसी में, और मैं अभी आपको एक बार प्लेयर रेटिंग दे देता हूं इसी वीडियो में, पर डिटेल मैं कोशिश करूंगा बताने की। आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू कुछ सेव्स किए उन्होंने, गोल्स में थोड़ा बेटर कर सकते थे, 6 out of 10 मेरे लिए। आप बताना मुझे आप लोग एग्री करते कि नहीं करते मेरी रेटिंग से। उसके अलावा राइट बैक प्रीतम कोटाल, बहुत बार उनको उन्होंने आउट ऑफ पोजिशन ले, कुछ ऑफेंसिव में ज्यादा नहीं गया, आई थिंक 5 out of 10 फॉर प्रीतम कोटाल। राहुल बेके काफी उनका भी डॉजी सा परफॉर्मेंस था, 5 out of 10 फॉर राहुल बेके। आदिल के लिए मेरा होगा 6.5 फॉर आदिल। मंदारो देसाई आई थिंक 4 out of 10 सारे अटैक उनकी तरफ से है। पन्ना हलदार आई थिंक 3.5 out of 10। ब्रैंडन फर्नांडिस आई थिंक 7 out of 10, वो एक ही प्लेयर थे इंडिया के जो ट्राई कर रहे थे। उदांता कुमेन 5 out of 10। उसके अलावा आशिक कुरैन 5 out of 10। सुनील छेत्री आई थिंक 4.5 out of 10। लैन डोंगल 6 out of 10। उसके अलावा फारूक चौधरी आई थिंक 5 out of 10। एंड एक और कोई प्लेयर आया था, लैन डोंगल आए थे और एक और कोई प्लेयर आया था ना, तीसरा सब्स्टिट्यूशन कौन था, फारूक चौधरी, लैन डोंगल, मनवीर सिंह वॉज गुड आई थिंक 5.5 out of 10 फॉर मनवीर सिंह। तो ये मेरी रेटिंग है, आप लोग बता सकते हो आपको मतलब इज इट फाइन और नॉट। छेत्री ने बहुत इजी गोल मिस किया था, मैं बताता हूँ किस मिनट में, एक हेडर उन्होंने मिस किया था 67 मिनट में, आई थिंक 2 yards से हेडर मिस किया था उन्होंने 68 मिनट में ब्रैंडन फर्नांडिस के कॉर्नर से। तो आप देखोगे सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया ने ब्रैंडन फर्नांडिस ने ही बनाई है, तो वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे। नेक्स्ट मैच का क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है, पर जो भी है मुश्किल होने वाली इंडिया के लिए नेक्स्ट मैच में। एशिया कप के लिए क्या चांस है, अभी तो अब इंडिया को क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे एशिया कप के, एक और राउंड थर्ड राउंड जो क्वालिफायर्स होंगे वो तो डिपेंड करता है उसका ड्रॉ क्या बनता है क्या नहीं बनता उसके हिसाब से होगा। फॉरेन प्लेयर्स को इंडियन टीम में खिला लो, अपने प्लेयर्स भी सीखेंगे, कर सकते हो, काफी लोग करते हैं, बट क्या इंडिया को करना चाहिए ये मुझे थोड़ा मतलब मैं एग्री नहीं करता कि फॉरेन प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। स्टीमक रिटायरिंग रीटिंग, अभिनव सलवंत क्या बोले समझ में नहीं आया, प्लीज स्टीमक रिएक्टिंग कह रहे हो क्या आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट मैच कमेंट मुझे अगर स्टीमक का मिल जाए तो आप लोगों को मैं थोड़ा बता पाऊँ, अगर कोई आया है अभी तक तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि अपनी हमारी टीम में भी चेक कर रही होगी पोस्ट मैच का। एक बार आप बने रहिए, मैं पोस्ट मैच कमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ स्टिमेक ने क्या बोला है पोस्ट मैच में, कितने मैचेस उड़ीसा एफसी के बाहर खेलेगा, 3 matches शायद उड़ीसा एफसी बाहर खेलेगा पुणे में, अभी तक यही न्यूज है। उनका ग्राउंड रेडी नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए भी ग्राउंड रेडी हो रहा है, एरोज भी चक्कर से गोवा में खेल रही है फर्स्ट हाफ में। तो अभी पोस्ट मैच टॉकिंग पॉइंट आया है, प्लेयर रेटिंग्स बन रही हैं, बट अभी तक कुछ पोस्ट मैच नहीं आया है बाय द वे, तो हम भी वेट कर रहे हैं उस चीज का। तो चाहे आप पोस्ट मैच खेल रहा हूँ .com/news पे देख लेना। अच्छा स्टीमक की रेटिंग, अच्छा आप रेटिंग कह रहे हो रिएक्टिंग, स्टीमक की रेटिंग आई थिंक 2 out of 10, सॉरी बट थोड़ा हार्श हो सकता है, बट मुझे लगता है कि वो उससे फार बेटर कर सकते थे। मनवीर ने भी गोल मिस किया था, बट एटलीस्ट मनवीर आए तो उन्होंने कुछ ट्राई करने की कोशिश करी अपने आपसे। एनी रेटिंग फॉर स्टीमक मैंने बता दिया है आपको अभिनव। राहुल केपी वी कैन बी ट्राइड एज अ राइट बैक आई थिंक। ओमान भाई नॉट कतार, हाँ ओमान से मैच है नेक्स्ट हमारा, इट्स ऑन ट्यूजडे बाय द वे, तो कल उसका प्रीव्यू शूट करके आपको दे दूंगा दोनों करके। आइगर स्टीमक कह रहे हैं किर्केसन इज 1.5, भाई आंसर नहीं करने हैं क्या हितेश, आपने क्वेश्चन भाई बहुत तेजी से आ रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अगर कोशिश करता हूँ अगर ऊपर का क्वेश्चन देख पाऊँ। मैंने आपको बोला मनवीर ने गोल मिस किया और मनवीर ट्राई कर रहे थे गोल कर कुछ ना कुछ करने का। एक और क्वेश्चन सिव्यन दास, डू यू थिंक इंडिया स्टिल हैव चांस टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड, आई डोंट थिंक इंडिया हैव एनी चांस टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड। दक्षिण जीएस, भाई व्हाट रियलिस्टिक इंपैक्ट चेंजेस इन नेशनल टीम कैन मेड इन क्विक टाइम एएफएफ पॉइंट्स बिग नेम कोच लाइक सैम एलरडाइस, आई थिंक हमें बड़ा नाम कोच नहीं चाहिए, हमें वो कोच चाहिए जो इंडियन प्लेयर को समझ के अपनी टैक्टिक्स बनाए ना कि अपनी टैक्टिक्स के हिसाब से टीम सेलेक्ट करें।
वो करंट कौन से इंडियन बेस्ट प्लेयर को उनको बुलाए एंड देन वैसा कोच हमें चाहिए। तो मे बी आप जो आईएसएल में कोच कर चुके हैं उनको बुला सकते हो, एल्बर्ट रोका है, एशली वेस्टवुड, सर्जियो लवेरा, जीको, इन लोगों को में से किसी को ट्राई कर सकते हो, बट वो या फिर अपनी अप्रोच है क्या हो सकता है। भाई मैं एक प्रिव्यू भाई कोशिश करूंगा ढंग से करने की। हॉरिबल प्ले फ्रॉम इंडिया, सिंपल हॉरिबल, शौनक चटर्जी, वर्ल्ड कप को भूल जाओ और एशिया लेवल में कंप्लीट करने में जो एफिशिएंसी आया था वो भी बिगाड़ के रख दिया है। एक बात अच्छी बोली शौनक ने, हम एशिया में कंप्लीट कर रहे थे, अब हम एशिया में भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं पहले के मुताबिक, तो हम डाउन हुए हैं आफ्टर एशिया कप। बाय द वे स्टीमक ने प्री मैच में बोला कि ये इंडियन टीम 2019 इंडियन टीम जो थी उससे, मतलब एशिया कप टीम से अच्छा फुटबॉल खेल रही है। मैं उनसे एग्री नहीं करता, आप बताइए आप उनसे अग्री करते हैं। तो एशिया कप में नहीं बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी मेरे हिसाब से। तो एक्स्ट्रा एडेड टाइमिंग वाज नॉट गुड इनफ, अफगान प्लेयर वेस्टिंग टाइम, बट वो दुनिया भर में यही होता है कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अभिनव, वेयर इज ओमित सिंह, इंडिया ईरान नेशनलिटी, अ गुड ऑप्शन फॉर स्कोरिंग गोल्स बट ही डोंट हैव इंडियन पासपोर्ट। आपको इंडियन पासपोर्ट चाहिए खेलने के लिए। फुटबॉल एरिना ओमान भाई नॉट कतार, हाँ मैं ओमान ही कह रहा हूँ भाई, ओमान से ही मैच है नेक्स्ट। मैंने क्या बोला कतार से मैच है, कतार से अवे गेम हमारा हो गया है, अभी ओमान से अवे गेम है हमारा। सेकंड फोर सेकंड प्लेस टीम क्वालिफाइड होगा, फाइव डिपेंड करता है, कतार भी तो है ना, अगर कतार क्वालिफाई करती है तो फिर एक एक्स्ट्रा जाएगी। कतार भी तो क्वालिफाई कर रही है, फर्स्ट टीम कतार क्वालिफाई हो रही है, कतार वर्ल्ड कप खेल चुका है, तो कतार क्वालिफाइड एज अ होस्ट, तो फिफ्थ टीम भी जाएगा। ये सवाल था किसी ने पूछा, तो इसलिए फिफ्थ फोर या फिफ्थ टीम इसलिए है, और कतार नंबर वन चल रही है तो जाएंगे जाएंगे। संदीप सरकार ने सवाल पूछा था, उसका जवाब है विव्याने को अंडर 19 अंडर 16 दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, बहुत मुश्किल होगा दो टीम बिल्ड करना, क्योंकि दो तीन साल की तैयारी होती है एक टीम बनाने में, तो दोनों टीम को तो टाइम नहीं दे पाएंगे वो उतना। डार्क नाइट ने बोला है, डू नॉट एग्री विद स्टीमक, हितेश आर्या से इज एनी आईएसएल का प्रोवाइडिंग गुड प्लेयर्स फॉर नेशनल टीम, ऑफ कोर्स दे प्रोवाइडिंग, सहेल को केलर अशर ने प्रोवाइड किया है, बाकी अब ये देखिए लेन, मैं नहीं बोलूंगा लेन को एफसीगो ने बनाया, ब्रेंडन मनवीर मंदार लेन सब एफसीगो से आए हैं, तो ऐसा नहीं है ऐसे क्लब प्लेयर नहीं दे रहे। अनिरुद्ध को क्यों चांस नहीं मिला, क्योंकि उनको लगा कि पुनर हल्दार इज बेटर मिडफील्डर, मतलब इस गेम के लिए अनिरुद्ध थापा से, जो आई थिंक थोड़ी गलती होगी उनसे। वाइस टीम इज नॉट सेलेक्टिंग जैकी चांद एंड रॉबिन सिंह, वो तो मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, बट वो भी अब उनका आप देखिए एक टीम बन चुकी है, वो सिलेक्शन ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जो प्लेयर लेन आए हैं एक बार मैच में, इस मैच में फ्रेश सिलेक्शन में, पर जो प्लेयर उन्होंने पहले सेलेक्ट किए थे उन्हीं को बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं। भाई जेजे को क्या हुआ है और वो कब आएगा, जेजे कहीं ऑपरेशन हुआ था नी सर्जरी, वो रिकवर कर गए हैं उससे, मतलब सर्जरी से रिकवरी हो गई है, फुटबॉल उनकी जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो रही है, जो उसे रिहैब पीरियड बोलते हैं वो चल रहा है, तो आई थिंक दिसंबर में वो वापसी करेंगे आईएसएल में, तो देखते हैं कैसे वापसी करते हैं, कितने गोल मारते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रीतम दास एटीके का कोई चांस है, प्रीतम दास आप शिलोंग वाले प्रीतम दास की बात कर रहे हो, आई थिंक उनका चांस होना चाहिए, बट नए प्लेयर्स को ग्रुप चांस नहीं मिल रहा है ज्यादा। चांगटे शुड बी अ परमानेंट मेंबर, ही इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम बाय द वे। सुब्रता दे, क्लैश विद इनक्रेडिबल्स, इंडिया को चांस है नेक्स्ट राउंड जाने का, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स तो नहीं है, एशिया कप क्वालिफायर्स के लिए नेक्स्ट राउंड में चांसेस हैं। जॉबी जस्ट नीडेड बट ही वाज नॉट ऑन द स्क्वाड बाय द वे। क्लैश वर्सेस इनक्रेडिबल टोल्ड योर आंसर। इसके अलावा अब इसको थोड़ा फिनिश करते हैं, 263 लाइक्स हो रहे हैं, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक करके इसको 300 लाइक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अभी भी काफी लोग देख रहे हैं। आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज एक नोटिफिकेशन वाली घंटी बता दीजिए, कि वीडियोस हम डाल रहे हैं बहुत सारे, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग आईएसएल हाइलाइट्स, एंड बहुत सारे वीडियोस हम प्लान कर रहे हैं अभी आगे गोइंग अहेड, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज एंड टेक्टिकल वीडियोस। आईएसएल का टेक्टिकल वीडियो डाला था, एक टेक्टिकल तो नहीं बोलूंगा, न्यूमेरिकल स्टैट्स वाला वीडियो डाला था, वो भी आप देख लेना, उसमें मैंने बात करी थी कौन से चार प्लेयर्स इंडिया को कॉलअप करने चाहिए थे इस स्क्वाड में, इंक्लूडिंग जेरी मॉइन थामा, रिडीम तांग और दो और प्लेयर्स हैं। आप जाके वीडियो देखिए एक बार चैनल पे, कुछ दिन पहले एक वीक पहले वीडियो डाला है, तो वो एक बार वीडियो जरूर देखना, उस वीडियो में बात करी हुई है मैंने कि किसे चार न्यू प्लेयर्स को बुलाना चाहिए, इंडिया ने बुलाया नहीं है। इवन लिंडो को भी चांस मिलना चाहिए, लिंडो तो बेंगलुरु एफसी के लिए भी नहीं खेल रहे, कैसे चांस दोगे आप। डू यू थिंक सहेल इज ओवररेटेड, आई डोंट थिंक इज ओवररेटेड, इट्स जस्ट कि इंडिया में वैसे फुटबॉलर्स कम होते हैं, एकदम से आया तो सबकी होप बढ़ गई है, सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, और वो बहुत यंग है, तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ गए, केरल ब्लास्टर के इतने सारे फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, तो प्रेशर बहुत आ गया उनके ऊपर। आई थिंक थोड़ा प्रेशर फ्री इनको करना चाहिए, हम लोगों को उनके ऊपर प्रेशर कम डालें। शौविक को चांस मिलना चाहिए, एग्री, 300 लाइक टारगेट है, देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है, 278 हो रहा है, लेट्स ट्राई फॉर 300 लाइक एंड देन वी विल एंड दिस लाइव स्ट्रीमिंग।
इंडियन एरोस के लिए फॉरेन कोच लाओ, अभी तो लगता है पिंटो ही कोच करेंगे बिकॉज इस मोमेंट में फॉरेन कोच तो नहीं आने वाला है इंडियन एरोस के लिए भी, तो उसके ऊपर भी एक मुझे लगता है इशू है, तो देख सकते हैं। सुनील रॉबिन के अलावा किसी भी इंडियन स्ट्राइकर का गेम नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है। आई थिंक फारूक चौधरी खेल रहे हैं, रक्षित शर्मा, मनवीर सिंह को कुछ गेम टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत एफसी गोवा में, उसके अलावा निकेत यादव को भी कुछ मिनट्स मिले हैं। मैंने नंबर ऑफ मिनट्स की बात करी थी अपने आईएसएल के स्टैट्स वाले वीडियो में, तो आप जाके एक बार देखना जरूर वो। अभिनव कह रहे हैं सिटी ग्रुप डील विद मुंबई एफसी अभी भी चल रहा है, मुंबई सिटी के साथ बातचीत, उनकी डील बंद नहीं हुई है, इट्स स्टिल ऑन, कब कंप्लीट होगी पता नहीं है। स्टेट लीग को कवर कीजिए, कोशिश करते हैं हम साइकात, हम गोवा प्रो लीग कवर करते हैं khelnaon.com/news पे आप जाके देख सकते हो। दूसरी लीग्स को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ा मुश्किल होता है कवरेज निकाल पाना, कोशिश कर रहे हैं उस बारे में। भाई अब फुटबॉल नहीं देखूंगा, 2022 में क्वालिफाई करेंगे।